हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम सेशन हमारे। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम यू जी एजुकेटर। आई होप कि आप मुझे देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं सब लोग? आई होप क्लास स्टार्ट हो गई है। हेलो, हाँ आप लोग शायद देख पा रहे हो मुझे, मैं देखता हूँ कितनी क्या है। चलिए, हाँ गाइस शुरू करते हैं। तो हमने मतलब ये सेप्टेम्बर मंथ का रीज़न हमारा है, और चलिए मेरे क्वेश्चन आपके आंसर होंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, हु हैज ऑथर्ड द, याद करिए हम लोग बुक्स एंड ऑथर पे चल रहे थे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बायोग्राफी, किसकी बायोग्राफी पूछी है, देख लीजिए यहाँ पे, ऑफ माँ आनंद शीला टाइटल्ड नथिंग टू लूज। एक एक आपसे बायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और आपको उसका आंसर देना है। वॉट इज द आंसर, क्या इसका आंसर है? आंसर इज हाँ मनबीना संधू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has authored the book titled in Invertonomics? Invertonomics book के author कौन है, ये आपसे पूछा गया। I am also good. What is the answer? Answer बताइए, answer बताइए, इसका answer होगा जल्दी फटाफट। इसका answer क्या होगा? इसका answer होगा गुरमीत सिंह, option number B. गुरमीत सिंह option number B is right answer. ठीक है, next question. Next question. Which of the following launch book title The Little Book of the Green Nudge, which aims to inspire up to 200 million students around the globe to adopt environmentally friendly habits and the green lifestyle? Yani aapse bola gaya ki The Little Book of the Green Nudge, is book ko kisne launch kiya basically? What is the answer? Kya iska answer hoga? ये बेसिकली 200 मिलियन बच्चों को मतलब प्रॉपर इंस्पायर करने के लिए कि उनकी फ्रेंडली हैबिट्स हो, ग्रीनर लाइफस्टाइल हो। व्हाट इज द आंसर? प्रोफेसर जय हिंद, जय हिंद सर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक ऑथर्ड बाय द पोप फ्रांसिस, शेड्यूल्ड टू बी रिलीज इन दिसंबर? तो पोप फ्रांसिस जो बुक लिख रहे हैं, पोप फ्रांसिस, इनके इनका टाइटल क्या, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शंस। एक बुक आ रही है पोप फ्रांसिस की और ये दिसंबर में आएगी, इसका टाइटल क्या, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शंस, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लेट अस ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी। लेट अस ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर्स विद द मोस्ट सबटल एंड, ठीक है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक के ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा गया। व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? गाइस सेशन को शेयर कर दीजिए, केवल 123 लोग देख रहे हैं, सबका भला हो जाए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु ऑथर्ड हिज फर्स्ट चिल्ड्रन बुक टाइटल द वन एंड द वनली स्पार्केला? ये मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर क्या होगा देख लीजिएगा फटाफट फटाफट आंसर दो। द वन एंड वनली स्पार्केला, ये यूएस के एक एक्टर है, इनका नाम क्या है? चैनिंग टॉटन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस बुक टाइटल द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव? द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, वी हैव फोर ऑप्शन, आपको इसका सही आंसर देना है। व्हाट इज द आंसर? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर करण जौहर जी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक टाइटल द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नाम की बुक के ऑथर कौन है? ये हमारे सामने चार ऑप्शन है, आंसर आपको देना है। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका आंसर क्या होगा? बाकी लोग आईपीएल बिजी हैं, ये सही है, लेकिन गर्ल्स आप लोग सीरियल बिजी नहीं है, कैसे ये कैसे हो सकता है? सही है, बढ़िया। आंसर क्या होगा? आंसर इज जीबीएस सिंधु सिद्धू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट, अब देखो स्टेट की न्यूज शुरू होगी, अब हमारी स्टेट लेवल न्यूज शुरू होगी। मतलब जो बच्चे अभी हमको ज्वाइन किए हैं, तो मॉर्निंग वाले सेशन में हमने क्या बात किया है, सितंबर मंथ की, ठीक है, हमने बैंकिंग की बात कर ली, हमने बुक्स की बात कर ली, अब हम स्टेट लेवल न्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस अ स्कीम कॉल्ड पर्यटन संजीवनी स्कीम, जिसके तहत इस ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये अपने स्टेट के एंटरप्रेन्योर को पैसे देगा, लोन देगा काम करने के लिए। व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर असम है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप अ मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू विच एयर पैसेंजर्स कैन डाउनलोड फॉर्म्स, फिल इट अप एंड शो इट एट एयरपोर्ट टू अवॉइड डिले इन द कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज ऑफ द कोविड-19 टेस्ट। कोविड-19 टेस्ट की बात हो रही है,
व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या, वी हैव फोर ऑप्शन, आंसर की बात करें इसका आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर डी। और जिस मोबाइल एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है विजिट असम, ये देखो यहाँ पे विजिट असम इस एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला विल वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क्स हैज सेट अप इन द कंट्री। केरला में हमारे देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा और वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या है, आपको आंसर देना है, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा। यहां पर जीमेल आईडी क्यों भेज रहे हो भाई आप लोग जीमेल आईडी से कोई फायदा नहीं है। आंसर क्या होगा, आंसर इज तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर विल द उत्तर प्रदेश फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बी स्टैब्लिश। ये गिद्धों की बात हो रही है, गिद्ध एक पक्षी होता है, मे भी शायद आपने बचपन में देखा होगा, मैंने तो देखा है मेरे बचपन में, आप लोग बहुत छोटे रहेंगे या शायद इस दुनिया में ना रहे हो। तो अलीगढ़, मेरठ, शामली और गोरखपुर, फिर फोर ऑप्शन, क्या इसका आंसर होगा, पढ़ाया गया इसे, आंसर की बात कर ले, इसका आंसर होगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो गोरखपुर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, देख लीजिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ यूनिफाइड पोर्टल कॉल्ड यूराइस टू गाइड स्टूडेंट इन द लर्निंग करियर काउंसलिंग एंड द गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। यूराइस एक पोर्टल किसने लॉन्च किया, किस स्टेट लॉन्च किया, इसी पोर्टल पे बच्चों को लर्निंग, करियर काउंसलिंग और एम्प्लॉयमेंट सारी जानकारी मिलेगी। भैया फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या होगा, आंसर इज हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मैंने पढ़ाया अपने करंट अफेयर्स में मॉर्निंग में जो मैं लेता हूं सेशन, क्या इसका आंसर होगा, देखिए यहां पे एंड द आंसर इज असम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, असम, तो ये सब में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च इट्स पुलिस सेवा एप्लीकेशन। मैंने आपको पढ़ाया था पुलिस सेवा एप्लीकेशन किस स्टेट में लॉन्च हुआ है, तो पुलिस सेवा एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने खुद लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। सर आपकी ही हम उम्र के हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे आ रहा है, लिख लो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जिसमें किसानों को 4,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी और 6,000 रुपए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से तो मिल ही रहे हैं पीएम किसान निधि के में, है ना, तो टोटल 10,000 रुपीज हो जाएगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट कौन है, ये स्टेट गवर्नमेंट हमारे मामा जी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च घर तक फाइबर स्कीम, घर तक फाइबर स्कीम फॉलोइंग द मोटो ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो भाई किस स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, आज शुरू हो गया शायद इलेक्शन, ना कौन सा स्टेट है, वो स्टेट है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार में मोदी जी ने घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की है फॉर द ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन और टोटल बिहार में 45,945 विलेजेस को जोड़ा जाएगा। तो ये नंबर से याद कर लेना, मे बी एग्जाम में क्वेश्चन घुमाए तो तुम इसका आंसर देने में सक्षम रहो, ठीक है, तो 45,945 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू कम आउट विथ पॉलिसीज ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन एंड द साइबर सिक्योरिटी। गाइस अक्टूबर का पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूं, जो बच्चे नहीं ले पाए हैं तो मेरे टेलीग्राम का नाम है जीए बाई अभिजीत सर, आपको अक्टूबर का मिल जाएगा। अक्टूबर की क्लास में प्रॉपर करा नहीं पाया लेकिन मैंने पीडीएफ ग्रुप में दे दी है, सितंबर की पीडीएफ आज रात में आपको मिल जाएगी, इसमें खत्म होते ही, ठीक है, और अगस्त कल हो जाएगा हमारा। बैंकिंग एमसीक्यूज नहीं करा, बैंकिंग के लिए कल थर्सडे फ्राइडे को पूरी रात बैंकिंग पढ़ा देंगे भाई, पूरी रात टॉपिक वाइज कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ा देंगे, चिंता मत करिए, बैंकिंग में चला दूंगा, ठीक है। आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ज्वाइन हैंड विद द टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ विच स्टेट। ये मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर्स में अपने मॉर्निंग में, व्हाट इज द आंसर, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पे वी हैव फोर ऑप्शन गाइस, आंसर की बात कर ले, इसका आंसर क्या होगा, आंसर की बात कर ले, इसका आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ई पीक पानी मोबाइल एप्लीकेशन। देखो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया अपने सीएम, अब जो नया बच्चा है वो ये सोच रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं मैंने पढ़ाया है बेटा, ये सब पढ़ाया है मैंने, हाउ टू एनरोल योर पेड बैचेस, देख लीजिए पेड बैचेस जो है हमारे में चल रहे हैं आप guidely.in पे जाके देख सकते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाउ मच अमाउंट हैज बीन सैंक्शन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ 3 छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट अंडर द उड़ान स्कीम। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आंसर क्या होगा देख लीजिए, व्हाट इज द आंसर,
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 108 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर ए, 108 करोड़, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखो तो बेसिकली तीन एयरपोर्ट कौन से, 48 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं फॉर द जगदलपुर, 27 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए फॉर द अंबिकापुर एंड 33 करोड़ रुपीस फॉर द बिलासपुर। टोटल 108 करोड़ रुपीस फॉर द छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। In September 2020, PM Modi laid the foundation stone of 9 highway project worth how much amount in the Bihar through video conferencing? Bihar में बाहर है क्योंकि वहां पे इलेक्शन है, और 9 highway के लिए टोटल कितना कॉस्ट होगा ये आपसे पूछा गया, आपको इसका सिंपल आंसर करना है। What is the answer? We have 4 options. हमारे सामने 4 ऑप्शन है, आंसर क्या होगा इसके, आंसर की बात कर लें, इसका आंसर जो होगा वो होगा रुपीज 14258 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 14258 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च अम्मा मोबाइल राशन? देखो अम्मा जहां लग गया ना, अम्मा वो क्या हो गया, वो हमेशा तमिलनाडु ऑप्शन में रहा भाई, बिजली नहीं मेरी, चलो तमिलनाडु। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इन द स्टेट विल सर्व एज मोबाइल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट फॉर राशन। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन सितंबर 2020 तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ द न्यूट्रिशन पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट? तमिलनाडु के किस जिले में न्यूट्रिशन पार्क लगाया जाएगा? वी हैव 4 ऑप्शन और हमें इसका सही आंसर देना है। व्हाट इज द राइट आंसर? तमिलनाडु के किस जिले में, किस जिले में ये बात हो रही है? तो आई थिंक ये नमक्कल है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नमक्कल बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैज इंट्रोड्यूस जीवनी, अ हेल्थ ड्रिंक एम्ड एट एनहेंसिंग द इम्यूनिटी लेवल ऑफ पीपल? तो किस स्टेट की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने एक जीवनी नाम का पेय पदार्थ ड्रिंक लॉन्च किया है, आपकी इम्यूनिटी से बढ़ जाएगी? महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, व्हाट इज योर आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज केरला, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, विच क्रिकेटर इज गोइंग टू सेटअप अ क्रिकेट अकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर टू ट्रेन एस्पायरिंग क्रिकेटर? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने पर्सनली इनको इनवाइट किया था। ये आईपीएल छोड़कर कहां पर है? ये आईपीएल छोड़कर इंडिया में है और इनका नाम है सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 5 अकेडमी खोली जाएंगी पूरी, 5 नंबर में, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी अनाउंस एन इकोनॉमिक पैकेज ऑफ द रुपीज 1350 करोड़ फॉर द यूटी इन अ बिड टू बूस्ट द बिजनेस एंड द अदर अलाइंग सेक्टर? मतलब कि किस यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने 1350 करोड़ रुपए का पैकेज दिया बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए? तो भाई सिंपल सी बात है, अभी कहां बूस्टअप की बात होगी, जम्मू एंड कश्मीर में होगी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अमाउंट याद रखना 1350 करोड़ रुपए, ये अमाउंट आपको लर्न करना है। ठीक है, 1350 करोड़ रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे विच स्टेट हैज लॉन्च आर्थिक स्पंदन प्रोग्राम? मैंने मॉर्निंग में करा दिया था, आर्थिक स्पंदन प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया जिसमें 39,300 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एज ए लोन? ये मैंने मॉर्निंग में ही आपके सेशन में करा दिया था, इसका आंसर कर्नाटका है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा जी हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एन असिस्टेंस स्कीम टू इनकरेज यूज ऑफ बैटरी ऑपरेटेड टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर? तो ये भी मैंने आपको सुबह करा दिया था, आंसर क्या होगा? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट तो ये नोएडा में हो रहा है, बिगेस्ट फिल्म सिटी कहाँ लग रही है भाई? तो बिगेस्ट फिल्म सिटी नोएडा में लग रही है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहा है बिकॉज हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च व्हाट्सएप चैट बोर्ड? व्हाट्सएप चैट बोर्ड आपका मित्र टू रिजॉल्व एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप चैटबोर्ड लॉन्च किया है आपका मित्र? अगर आपको भी मतलब कोई दिक्कत है तो आप इस पर बात कर सकते हैं, और ये कौन सा स्टेट है? ये है हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हरियाणा, व्हाट्सएप चैटबोर्ड आपका मित्र, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देख लीजिए, UiPath एन एंटरप्राइज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी, मतलब UiPath एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बेसिकली, हैज पार्टनर्ड विथ विच स्टेट एज अ पार्ट ऑफ इट्स अकेडमिक एलियंस प्रोग्राम? UiPath एक एंटरप्राइज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसने अपने अकेडमिक एलियंस प्रोग्राम्स के लिए किस स्टेट से एग्रीमेंट किया, ये आपसे पूछा गया। ये काम कौन कर सकता है? बिहार में तो इलेक्शन होगा नहीं, झारखंड में, इसका आंसर हिमाचल, आंध्र प्रदेश हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कभी कभी
क्वेश्चन ना आए तो थोड़ा सेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि ऐसा मुझे लगता है, मुझे लगता है कि एग्जाम में हमेशा हमारा सेंस गलत ही होता है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोटेड टू इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन लॉन्च इन मेघालय। तो गाइस आपको बताया कि भारत का सबसे बड़ा जो पिगरी मिशन है वो मेघालय में लॉन्च हो रहा है, उसके लिए टोटल अमाउंट कितना अलॉट किया गया ये आपसे पूछा गया। एंड वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा। देखिए डेली बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाऊंगा, भूल जाओगे, मैं टॉपिक वाइज करा दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सेशन को देख लीजिएगा फ्राइडे, क्यों, क्योंकि एग्जाम के पास है, आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है, चिंता मत करिए। थोड़ा टाइम भी कम मिला यार, टाइम तो कम मिला ना, मानोगे ना भाई। आंसर क्या होगा, 209 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट वॉज रैंक एज द बेस्ट परफॉर्मर इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, दूसरा एडिशन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में, इसमें टॉप किसने किया ये आपसे पूछा गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। आप इसमें कंफ्यूज जरूर हो जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। कंफ्यूज का मतलब क्या हो गया, ये सिंबल, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गुजरात हमारा सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विच स्टेट वन द डब्ल्यू एस आई एस अवार्ड 2020 फॉर इट्स सबुज साथी प्रोजेक्ट। यानी अगर आपको ये पता है कि सबुज साथी प्रोजेक्ट किस स्टेट का है तो आप इसका आंसर दे लोगे। तो सबुज साथी की बात करें तो मेरे ख्याल से ये वेस्ट बंगाल का है, आपका क्या ख्याल है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर, अच्छा दो ऑप्शन है क्या, वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो वेस्ट बंगाल हमारा सही आंसर है। तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS ये अवार्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वाई, देखो जहां भी YSR लग गया तो वो आंध्र प्रदेश है, लेकिन देखना यह कि YSR आसरा प्रोग्राम किसके लिए भाई, एम्पावरिंग वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो YSR आसरा स्कीम किसके लिए है ये याद कर लो, YSR लग गया तो मतलब आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आपको यहां पे दिखाई पड़ी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड गरिमा फॉर सैनिटाइजेशन वर्कर टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड डिग्निटी। गरिमा फॉर द सैनिटाइजेशन वर्कर टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड द डिग्निटी किस स्टेट ने लॉन्च किया ये आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, और आंसर की बात कर ले, आंसर क्या होगा, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट, IRET, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट विच विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री विच इज नॉट वन ऑफ द स्टेट इन विच द प्रपोजल विल बी इंप्लीमेंटेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। देखो ये जो IRET है ना, IRET ये पूरे देश में लागू होगा, लेकिन स्टार्टिंग में 6 राज्यों में लागू हो रहा है। अब उन 6 राज्यों में इसमें कौन सा राज्य नहीं है ये आपसे पूछा गया, तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखो ये तो ये IRET की बात करें तो स्टार्टिंग में ये 6 स्टेट में लॉन्च होगा, जिसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। यानी M² हो गया महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। तो ऐसे याद कर लो, M² तुर्क, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा M² तुर्क। तो कौन से स्टेट है वो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े गाइस, बात करते हैं, हाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल देख लीजिएगा। इन सितंबर 2020 विच स्टेट ऑब्लिक यूटी अनाउंस अ हेल्थ स्कीम इंटेंडेड टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू ऑल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑब्लिक यूटी। तो कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंसमेंट किया है अ हेल्थ स्कीम इंटेंडेड टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। और यहां पर अगर हम बात करें तो पंजाब ने कुछ दिन पहले किया था, बट पंजाब ऑप्शन में नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था मेरे ख्याल से। आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए देखो, अब ये जो तुम्हारा यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसके लिए 123 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं, ये भी आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 करोड़ रुपीज वेयर विल द रिसर्च लैब ऑफ DRDO बी ओपन्ड एज नोटिफाइड इन सेप्टेम्बर 2020। DRDO 2000 करोड़ रुपए का अपना एक रिसर्च लैब बनाएगा, कहाँ बनाएगा, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, गोवा में। वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वी हैव फोर ऑप्शन। और आंसर की बात कर लें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर MP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मोरेना डिस्ट्रिक्ट, मोरेना ये किसका निर्वाचन क्षेत्र है, जरा मुझे बताइएगा, किस मिनिस्टर का ये निर्वाचन क्षेत्र है, याद है आप लोग को,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच स्टेट ऑब्लिक यूटी गवर्नमेंट लॉन्च अ स्टेट वाइड कैंपेन माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. माई फैमिली माई, तो ये मैंने अपने सीए पढ़ाया है ना, तुम लोग मानोगे ना मेरी बात. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर का. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कहां थे तुम लोग यार अभी तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट ऑब्लिक यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ हेल्पलाइन कॉल्ड सेहत एवं पोषण साथनिवास. सेहत एवं, एवं मतलब और, सेहत एवं पोषण साथनिवास टू इंश्योर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज गेट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड रेगुलर इम्यूनाइजेशन डोज. व्हाट इज आंसर? तो सेहत एवं पोषण साथनिवास ये कहां लॉन्च हुआ है, ये आपसे पूछा गया. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज आंसर? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. दिल्ली में ये लॉन्च हुआ. ठीक है, सेहत एवं पोषण साथनिवास. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. और नेक्स्ट पॉइंट हमारे का देखिए यहां पे. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट ऑब्लिक यूटी हैज लॉन्च द फ्लैगशिप प्रोग्राम बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर. ये कहां पे लॉन्च हुआ था मुझे तो पता है, तुम लोगों को पता है क्या? बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर ये कहां पे लॉन्च हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश. व्हाट इज द आंसर? हाँ, टॉपिक वाइज चल रहा है बेटा, अभी हम स्टेट लेवल की न्यूज की बात कर रहे हैं. ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन नंबर है. तो ये जो आपका बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर ये जो प्रोग्राम था बेसिकली, ये आपका जो लॉन्च हुआ है वो ठीक है, इसमें कुछ पढ़ना है हमको. जसवान पंचायत, ये जो है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जसवान पंचायत में लॉन्च हुआ था. हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये पॉइंट. ठीक है, चलो. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ पोषण सरकार प्रोग्राम टू इंश्योर पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप ऑफ लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत एंड अर्बन बॉडीज. पोषण सरकार ये किस स्टेट ने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया. पोषण सरकार बताने, आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश. ऑप्शन नंबर डी. तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, पोषण सरकार. ठीक है, एक आपके सामने पॉइंट आ गया. बहुत मजा आ रहा है अंशुल पांडे जी. जी जी, बढ़िया, मजा तो हम दिलाते ही है ना. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना. मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, अ स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन टू वुमेन्स ग्रुप इन द स्टेट. मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुजरात में लॉन्च हुआ था, ये मुझे लग रहा है, तुम लोगों को भी लग रहा है. मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? आंसर की बात कर ले, आंसर इज गुजरात. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम लेट बाला साहब ठाकरे रोड एक्सीडेंट. तो ये तो यार मतलब पता ही हमको, तो बाला साहब की बात ही हो गई तो मतलब ये महाराष्ट्र हो गया है ना. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड स्वच्छता कैफे एंड स्वच्छता पार्क इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑन द बर्थडे ऑफ द पीएम मोदी जी. तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. तो हिमाचल प्रदेश हमारा सही आंसर है. हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है भैया? तो जयराम ठाकुर जी हैं, याद कर लीजिएगा. इन्होंने स्वच्छता कैफे जो है ये लॉन्च किया सोलन डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट की. और स्वच्छता पार्क कहां लॉन्च किया है? कुफरी इन डिस्ट्रिक्ट शिमला. शिमला में कुफरी में लॉन्च हुआ है स्वच्छता पार्क. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी पोर्टिकल वेब पोर्टल. ये देखो यहाँ पे, विच इज फर्स्ट PACS इन इंडिया टू कम अप विद द वेब पोर्टल. प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये हमारे देश में जो गांव होते हैं ना, गांव, कुछ गांव को मिला के ब्लॉक कहते हैं. ये ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का एक पार्ट होते हैं. तो कौन सा पहला हमारे देश में प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी बन गया जो वेब पोर्टल पे आ गया, ये आपसे पूछा गया. एंड द आंसर इज तेलंगाना. ऑप्शन नंबर बी. तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बेसिकली. ठीक है, तेलंगाना. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़े. तेलंगाना आईटी एंड द इंडस्ट्री मिनिस्टर केटी रामा राव. हालांकि इतना डीप में पूछेगा नहीं, आप केवल तेलंगाना स्टेट याद कर लो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट एज लॉन्च आर्थिक, तो ये तो हो गया हमारा ये कर्नाटक. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ये भी हो गया, गुजरात हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट है, कोई बात नहीं. नोएडा. ठीक है, ये भी हो गया, रुक जाइए, बता रहा हूं मैं. हाँ, यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ न्यू कैंपेन कॉल्ड SIP इन फिक्स्ड इनकम टू मेक इन्वेस्टर मोर अवेयर अबाउट द बेनिफिट ऑफ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. मतलब म्यूचुअल फंड. SIP इन द फिक्स्ड इनकम किसने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर क्या होगा? वी हैव फोर ऑप्शन. आंसर क्या होगा? आंसर इज IDFC म्यूचुअल फंड. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. As announced by the government, all urban area in which state and which state are now open defection fee.
तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि अर्बन एरिया मतलब शहरी इलाके किसके, हरियाणा के और पंजाब के, ये क्या हो गए हैं, ओपन डिफेक्शन फ्री हो गए हैं, हरियाणा पंजाब ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना हैज बीन पेयर्ड विद द विच स्टेट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा, तेलंगाना को पेयर किया गया है किस स्टेट के साथ अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और आपके आंसर की बात कर ले, इसका आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तेलंगाना हरियाणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज साइंड अ एमओयू विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेक होम राशन विद द हेल्प ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेक होम राशन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा। आंसर की बात कर ले, आंसर इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड हैज डिसाइडेड टू पे हाउ मच परसेंट इंटरेस्ट ड्यूरिंग द 2019-20। तो ईपीएफओ ने डिसाइड किया है कि जो भी आपका मतलब यहाँ पे पीएफ ईएफ जमा है उस पर कितना ब्याज आपको 19-20 मिलेगा, इसका आंसर क्या होगा, 8.5%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 8.5%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, Which state received its first telehealth, a telemedicine platform? Telehealth ये नाम है, ठीक है? Where citizen can directly connect with medical officers and specialist doctor and seek general and specialized teleconsultant at the doorstep free of cost. What is the answer? तो किस स्टेट में telehealth लॉन्च हुआ है? ये आपको बताना है। नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। We have five options and the right answer is Nagaland, option number A. Nagaland हमारा सही आंसर है, ठीक है? याद रखेंगे ना कि आप लोग टेली हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन हाउसहोल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ द 75th राउंड ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे फ्रॉम, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया कि विच स्टेट हैज अमर्ज एज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन द कंट्री। ये तो हमको पता ही, ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेट जो है उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर है। और यहां पर कितना कितना वो है लिटरेसी रेट है, 66.4%। टॉप पे कौन है, केरला है, हमको ये भी बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टेट कैंपेन अगेंस्ट डेंगू 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। तो ये कौन करता है, ये वही करता है जो दिल्ली का चीफ, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। इनका नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, In which state is as an awareness cum sanitization program for newly proposed farmer producer organization was organized by the NABARD in coordination with the district administration. तो किस स्टेट में, स्टेट हो सकता है या फिर यूटी भी हो सकता है, ये is an awareness cum sanitization program for newly proposed farmer producer organization. क्या इसका आंसर होगा, नाबार्ड इसमें सपोर्ट कर रहा है बेसिकली और ऑर्गेनाइज भी कर रहा है, इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन साइंड अ एमओयू विद अ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लिंक द एसएचजी एंड प्रोड्यूसर ग्रुप एंटरप्राइजेस। तो किस स्टेट का, किस स्टेट के रूरल लाइवलीहुड मिशन ने एक एमओयू साइन किया विद द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर असम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो असम याद रखिएगा, ठीक है, असम के रूरल लाइवलीहुड मिशन ने बेसिकली एमओयू साइन किया था विद द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा। आपके आंसर की बात कर लें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। स्पैरो कहां लॉन्च हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में, बेसिकली जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स हैं उनके अप्रेजल करने के लिए स्पैरो को लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सॉइल टेस्टिंग लैब्स अक्रॉस द कश्मीर वैली। How much amount has been approved by the Union Agriculture and the Farmer Welfare Ministry for upgradation of the soil testing labs across the Kashmir Valley? What is the answer? Iska answer kya hoga? Iska answer 4 crore rupees. Option number A is right answer. Next point. Which state is set to implement a 600 crore watershed project with the World Bank assistance? World Bank isme 70% ki funding kar raha hai, matlab 420 crore rupees ke aas paas. Theek hai? To ye aapko maine bata diya. 600 crore rupees ka watershed project. With World Bank assistance, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु हैज बीन सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द स्टेट फर्स्ट फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट।
तमिलनाडु का वो डिस्ट्रिक्ट जो कि केंद्र सरकार ने सिलेक्ट किया एज द स्टेट का पहला फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट, ये आई थिंक विरुद्धनगर है, ऑप्शन नंबर बी. विरुद्धनगर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही. नेक्स्ट पॉइंट, इन सितंबर 2020 यूनियन कैबिनेट अप्रूव विच लैंग्वेजेस एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी. कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, तो उर्दू इंग्लिश पहले सही था, उर्दू इंग्लिश पहले सही था, अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी आ गया, मतलब टोटल पांच भाषाएं हो गई, याद देना. तो कश्मीरी, डोगरी और हिंदी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन सितंबर 2020 द यूनियन गवर्नमेंट गेव इट्स अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ मेडिकल कॉलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नागालैंड. नागालैंड के किस डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज के लिए अप्रूवल दिया गया है? मौन, दीमापुर, कोहिमा एंड नोकलैक. व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज मौन, ऑप्शन नंबर ए. मौन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट. तो ये भी आपको पता है, ये वही स्टेट है जहां मैंने आज कुछ पढ़ाया था अपने करंट अफेयर्स में. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उत्तर प्रदेश. आज मैंने क्या पढ़ाया था कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए पुलिस स्टेशन बनेगा, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च टू न्यू स्कीम नेमली YSR. तो YSR लग गया, तो गाइज आपको YSR संपूर्ण पोषण एंड YSR संपूर्ण, तो ये याद रखना कि ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है और YSR लग गया तो मतलब आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रीलॉन्च इट्स स्कीम कॉल्ड स्वयं टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 2 लाख यूथ ऑफ द स्टेट. स्वयं, स्वामी विवेकानंद करके है ये स्कीम स्वयं, और ये किसने लॉन्च किया है? मैंने पढ़ाया अपने करंट अफेयर्स में, ये लॉन्च किया है असम ने, ऑप्शन नंबर है. तो स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है, स्वयं, ठीक है, असम. नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हैव बीन पेयर्ड विद विच टू स्टेट फॉर द इंप्लीमेंटिंग द सेंटर एम्बिशियस स्कीम एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान. वी हैव 4 ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर एंड नागालैंड. मणिपुर और नागालैंड को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत में. तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च आई रखवाली एप्लीकेशन. हमें पता है आई रखवाली एप्लीकेशन पंजाब ने लॉन्च किया था, है ना, आई रखवाली एप्लीकेशन. आंसर इज पंजाब, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. गोवा इज पेयर्ड विद द विच स्टेट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत. गोवा, गोवा किसके साथ पेयर्ड हुआ ये आपसे पूछा गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड. वी हैव 4 ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? और आंसर की बात कर ले, इसका आंसर होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. विच स्टेट लॉन्च गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन विच इज गिवन द शेप ऑफ अ मास मूवमेंट. गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? हमने इसे पढ़ा. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम इज पेयर्ड विद विच स्टेट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत. सिक्किम इज पेयर्ड विद विच स्टेट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत. सिक्किम की बात कर लें, सिक्किम की बात कर लें, आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली एंड सिक्किम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज पांग लहापसोल फेस्टिवल. पैंग लहापसोल फेस्टिवल, नाम से मालूम चल रहा है कहां का होगा, पैंग लहापसोल. तो ये कहां का फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल सिक्किम का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट साइंड MOU विद काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी टू एस्टैब्लिश अ बल्क ड्रग पार्क इन द स्टेट. तो किस स्टेट ने एक MOU साइन किया है विद द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी टू एस्टैब्लिश अ बल्क ड्रग पार्क इन द स्टेट. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. Which state government signed MOU with the Small Industries Development Bank of India to develop the micro, small and medium enterprises ecosystem? तो guys, अगर बात करें तो SIDBI ने गुजरात के साथ भी किया है. SIDBI ने महाराष्ट्र है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. गुजरात, महाराष्ट्र और आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये तीनों से एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द सेम SIDBI का. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, How much amount of annual plan has been approved for Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana in Jammu and Kashmir for the year 2020-21? How much amount of annual plan has been approved by the Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana for the Jammu and Kashmir? इतना कितना amount है ये आपसे पूछा गया, इसका answer क्या होगा? Amount की बात करेंगे, याद करना मुश्किल है but याद करना पड़ेगा. Answer is 60112 crore. 60112 crore. Option number A is right answer. Next point. In which state is the newspaper name The Young Mind is specifically designed for kids going to be launched? So guys, आपको ये मैंने पढ़ाया है The Young Mind.
बच्चों के लिए न्यूज़पेपर, और ये कहाँ लॉन्च हुआ है, ये कहाँ लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है असम में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो बेसिकली असम में नीलम सेठिया एंड नेहा बजाज नाम के लोगों ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच स्टेट गॉट द अप्रूवल फॉर सेटिंग अप देयर ओन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन सितंबर 2020, अपनी खुद की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को प्रीमियम देना पड़ता है, एक गुजरात ने और एक आंध्र प्रदेश ने। गुजरात ने तो अलग स्कीम लॉन्च की है बेसिकली, और आंध्र प्रदेश क्या बोल रहा है कि वो खुद की अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इसका नाम है आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नाम होगा इस इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उत्तराखंड हैज बीन पेयर्ड विद विच स्टेट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत, उत्तराखंड की बात अब कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है। तो उत्तराखंड की बात कर लेंगे गाइस, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड और कर्नाटक को आपस में पेयर किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट लॉन्च टू सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल फोन एप्लीकेशन, अमा शहर एंड सक्ष शहर। अमा लग गया तो मेरे ख्याल से ये ओडिशा का होना चाहिए, अमा शहर एंड सक्ष शहर ऑन द ओकेजन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अमा शहर सक्ष शहर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर विल द इंडिया फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कम अप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कम अप, ये चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर क्या होगा, देखिए यहां पे आंसर की बात कर ले, आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कर्नाटक में कोप्पल, कोप्पल में यहां पर बनेगा हमारे देश का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है। तो कोप्पल कर्नाटक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सी प्लेन सर्विस इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द 31st अक्टूबर इन गुजरात, विल बी ऑपरेटेड बाय द विच एयरलाइन। ये सी प्लेन जो होगा ये साबरमती रिवर फ्रंट से आपका केवड़िया गुजरात में जो वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है वहां तक पूरा जाएगा, और ये लॉन्च किसने किया है, ये लॉन्च किया स्पाइसजेट ने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट अपॉइंटेड इंडिया फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर अंडर न्यू इनिशिएटिव बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हमने ये पढ़ा हुआ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर है। तो और ये जो ड्राइवर का नाम क्या है, एम वीर लक्ष्मी, और ये देख लीजिएगा, ये नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम हैज द मार्केट रेगुलेटर सेबी। अब देखो हम लोग कमेटी पर आ गए, अब हम लोग कहां पर आ गए, कमेटी पर आ गए, ठीक है। स्टेट लेवल न्यूज खत्म, कमेटी की बात कर लेते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी सेट अप अ टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, मैंने आपको पढ़ाया सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी ने कमेटी बनाई है, और इस कमेटी को लीड करेंगे फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द नाबार्ड मिस्टर एच के भानवाला, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एच के भानवाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हेड ऑफ द कमेटी हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स बाय वन ईयर टू सितंबर 2020, और इस कमेटी का नाम क्या है, कंपनी लॉ कमेटी नाम है इसका, इसको एक साल का एक्सटेंशन मिल गया कमेटी को। इसको लीड कौन कर रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है, इसको लीड कर रहे हैं मिस्टर राजेश वर्मा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देख लीजिएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, कंपनी लॉ कमेटी की बात कर रहे हैं। इस कमेटी को एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है सितंबर 2021 तक का, और इसको लीड कौन कर रहा है, इसको लीड हमारे राजेश वर्मा जी कर रहे हैं। ये कौन है, ये कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी राजेश वर्मा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is head of the committee formed by the union government to prepare a roadmap for the regularization of land leasing in the agriculture sector? Land leasing in the agriculture, leasing का मतलब होता है रेंट पर, जमीन जमीन खाली है, किसानों ने गवर्नमेंट से रेंट पर ले लिया, रेंट पर और खेती कर रहे हैं, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को लीड कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव फोर ऑप्शन, आंसर क्या होगा, आंसर की बात कर ले, इसका आंसर अजय टिर्के जी है, ऑप्शन नंबर सी, अजय टिर्के, ठीक है, अजय टिर्के इसको लीड करेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज चूजन एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू असिस्ट इन द असेसमेंट ऑफ द रिलीफ टू बैंक बोरोवर्स, मतलब जो बेसिकली बैंक से उधार उधार लिए हुए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू असिस्ट इन द असेसमेंट ऑफ रिलीफ टू द बैंक, तो बैंक बोरोवर को रिलीफ देने के लिए बेसिकली कौन, एक कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लीड कौन करेगा, शशिकांत शर्मा, जीसी मुर्मू, विनोद राय, राजीव महर्षि, वी फोर ऑप्शन, आंसर क्या होगा, आंसर की बात कर लें, इसका आंसर होगा विनोद राय, इसका आंसर होगा राजीव महर्षि था इसका आंसर, एक मिनट देखते हैं एक्सप्लेनेशन, हाँ राजीव महर्षि, ठीक है, मेरा अंदर से था राजीव महर्षि, इसका आंसर राजीव महर्षि है बेटा, लो देख लो, असिस्ट इन द असेसमेंट ऑफ द रिलीफ टू द बैंक बोरोवर्स, राजीव महर्षि इसका आंसर है, याद करिएगा राजीव महर्षि, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ राजीव महर्षि, ठीक है, वो गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी फॉर इंप्लीमेंटिंग द लीगल सर्विसेज प्रोग्राम इन कनेक्शन विद द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कनेक्शन में
लीगल सर्विस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी को लीड कौन कर रहा है? वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका व्हाट सर? अरे भैया कब स्लाइड बनाते टाइम पर मैनुअली मिस्टेक हो गई, मैंने आपको सही कर तो दिया, गुस्सा क्यों रहे हो भाई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका रोहिंटन फाली नरीमन. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है? तो रोहिंटन फाली नरीमन इसका आंसर हमारा होने वाला, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज हेड ऑफ द कमिटी फॉर्म बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टडी रिपोर्ट ऑफ सर्विलियंस ऑफ इंडियंस बाय चाइनीज फर्म झेनहुआ डेटा. तो गवर्नमेंट को मालूम चला कि चाइनीज फर्म है झेनहुआ डेटा, जो कि हमारे कुछ इंडियंस को सर्विलियंस कर रही है. तो इसको प्रॉपर रिसर्च करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी को लीड कौन कर रहा है, ये आपसे पूछा गया. राजेश पंत, सुरेश गाबा, प्रीतम दास, सुमन राय. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज योर आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राजेश पंत. ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है टू स्टडी रिपोर्ट ऑफ द सर्विलियंस ऑफ द इंडियन बाय चाइनीज फर्म झेनहुआ डेटा. और इस कमेटी को लीड कौन करेगा? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत. ये कौन है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज हेड ऑफ द कमेटी फॉर्म बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर द रेगुलाइजेशन. ये तो हो गया हमारा ना. इसका आंसर क्या होगा? जटिल की ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ये भी हो गया हमारा राजेश वर्मा, ठीक है. हु इज हेड ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग. मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है. वी हैव फोर ऑप्शन. आपको ये पढ़ाया भी गया अपने करंट अफेयर्स में. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? संयुक्ता समझदार. ऑप्शन नंबर ए. अभिषेक तिवारी बोल रहे हैं सर ये सब क्वेश्चन तो कभी पढ़े ही नहीं है. अरे भैया क्यों नहीं पढ़े हो यार, ऐसा मत बोलो यार. चलो आगे बढ़ते हैं और बात एग्जाम बहुत पास में, ऐसी बातें नहीं करते. हु लीड द पैनल ऑन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड इन द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन इंपैक्टेड बाय द कोविड 19 पेंडेमिक. रिकमेंडेशंस ऑफ होम वेयर ब्रॉडली एक्सेप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्या बोला गया है? Who lead the panel on the financial parameter to be considered in the restructuring? देखो हमारे देश में टोटल 26 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर केवी कामत कमेटी ने क्या बोला कि यहां पर लोन को आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. मतलब 26 स्टेट बहुत बुरी तरह से इंपैक्टेड हुए, तो यहां के सेक्टर्स में जो बिजनेसमैन उनको लॉस हुआ है, वो बैंक का पैसा नहीं दे पाएंगे वापस. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए कमेटी बनाई थी और कमेटी को लीड कौन कर रहा था? केवी कामत. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. और मैंने आपको ये बोल दिया कि 26 स्टेट इन्होंने बताया कि यहां पर लोन रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट. हु हैज बीन चूजन एज द हेड ऑफ द कमेटी बाय एडा टू वर्क ऑन द इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट फॉलोइंग रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन फ्रॉम लाइफ इंश्योरर टू इंट्रोड्यूस सच प्रोडक्ट. देखिए तो आपसे क्या पूछा गया, एडा ने कमेटी बनाई है, इस कमेटी को लीड कौन करेगा? कमेटी का है टू वर्क ऑन द इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट फॉलोइंग रिक्वेस्ट फॉर द. इसका मतलब है इंडेक्स लिंक का मतलब होता है बेटा यूलिप. मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपना कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालती है जिसमें आपका इंश्योरेंस भी होगा और आपके पैसे जो है वो शेयर मार्केट में भी लगाए जाएंगे. उसी लिए इसका आंसर क्या है? आंसर इज दिनेश पंत. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. और आप लोग इसका आंसर दे भी रहो. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट. हु विल द हेड ऑफ द कमेटी सेटअप बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री टू ऑप्टिमाइज द सिविल एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट इन द सर्विस हेडक्वार्टर्स. सिविल एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट इन द सर्विस हेडक्वार्टर्स. व्हाट इज योर आंसर? वी हैव फोर ऑप्शन. और आंसर की बात करें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल शेकाटकर. लेफ्टिनेंट जनरल शेकाटकर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. आपके सामने एक पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो अब हमारा स्पोर्ट शुरू हो रहा है, ठीक है? सितंबर मंथ का स्पोर्ट शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है? हु वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, ये आपसे पूछा गया. चार ऑप्शन आपके पास, सिंपल है. इसका आंसर क्या होगा? देखो आंसर की बात करें, आंसर इज वाल्टेरी बोटस. ऑप्शन नंबर सी. तो वाल्टेरी बोटस ने अपना दूसरा फॉर्मूला वन रेस जीता इस साल का और रशियन ग्रैंड प्रिक्स इसका नाम है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. एलिजा हेली क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री हैज ब्रोकन एमएस धोनी रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ द डिसमिसल बाय द विकेट कीपर इन द T20 इंटरनेशनल. तो एलिजा हेली की बात करें, ये किस देश की विकेट कीपर है जिन्होंने एमएस धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक किया? ये है ऑस्ट्रेलिया की. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉन द ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैंपियनशिप? ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैंपियनशिप किसने जीती, ये आपसे पूछा गया है. और ये सारी गर्ल्स के लिए, इवन हम लोग के लिए भी एक मोटिवेशन है. इनका नाम क्या है? एशली बार्टी. टेनिस प्लेयर है ये. ऑप्शन नंबर सी. लेकिन ये खेलती है क्रिकेट भी, फुटबॉल भी खेलती है, गोल्फ भी खेलती है और अवार्ड भी जीतती है. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर.
who won the men's single title in the Italian Open 2020? Italian Open tennis tournament का men's single किसने जीता? ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? Italian Open का men's single किसने जीता? Answer is Novak Djokovic. Option number C is right answer. Who won the women's single titles in the Italian Open? Women's single किसने जीता? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर Simona Halep. Option number D is right answer. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्पोर्ट्स फेडरेशन हैज बीन नेम एज बेली जीन किंग कप आफ्टर बेली जीन किंग एन अमेरिकन टेनिस प्लेयर टू ऑनर हर. तो एक एक स्पोर्ट्स इवेंट होता था टेनिस का, उसका नाम चेंज करके बेली जीन किंग कप रख दिया जाएगा. तो इसका पहले नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया. ये बेसिकली महिलाओं का ही टेनिस टूर्नामेंट था केवल, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फेड कप. तो फेड कप का नाम चेंज करके बेली जीन किंग कप रखा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हेड ऑफ द कमिटी formed by the union government to study report of the, ये तो हो गया हमारा राजेश पंत. हाँ, who has been crowned wushu world champion 2019 after her silver medal at the wushu world championship last year been upgraded to a gold medal. तो इनमें से कौन है जिसको wushu world champion में gold medal मिल गया? basically क्या हुआ था, basically मतलब इनके जो अपोजिशन में था वो मतलब डोप टेस्ट में पाया गया पॉजिटिव. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पूनम खत्री, ऑप्शन नंबर ए. तो देख लेते हैं एक बार, इंडियन वुशु प्लेयर पूनम खत्री हैज क्लेम वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेटस आफ्टर हर सिल्वर मेडल एट द वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट ईयर हैज बीन अपग्रेड टू द गोल्ड मेडल. ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द यूएस ओपन टेनिस? यूएस ओपन टेनिस में वुमेन सिंगल किसने जीता? चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द यूएस ओपन? यूएस ओपन में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज डोमिनिक थीम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टस्कन ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला वन कार रेस? फॉर्मूला वन टस्कन ग्रांड प्रिक्स नहीं था, ये आपसे पूछा गया. व्हाट इज द आंसर? वुशु कैसे खेलते हैं, ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है इस समय. इसका आंसर होगा लेस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट ई ऑफिस इन द कंट्री? किस विच स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट ई ऑफिस इन द कंट्री? आई थिंक ये मध्य प्रदेश है, आई थिंक मुझे आंसर कंफर्म नहीं है. मध्य प्रदेश मुझे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. विच क्रिकेटर इज गोइंग टू सेट अप अ क्रिकेट एकेडमी? तो आपको गाइस पता है ये सुरेश रैना जी हैं, जम्मू कश्मीर में 5 एकेडमी ये बनाएंगे. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. हु हैज बीन नेम्ड एज द 2019-20 किया एनबीए रुकी ऑफ द ईयर बाय द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन? हु हैज बीन नेम्ड एज द 2019-20 किया एनबीए रुकी ऑफ द ईयर बाय द एनबीए? वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जा मोरेंट, ऑप्शन नंबर सी. जा मोरेंट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको दें. आंसर की बात कर ले, आंसर इज पियरे गैसली, ऑप्शन नंबर सी. बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से ये जीत गए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज हम लोग हमेशा वेल्टेरी बोटास या लुइस हैमिल्टन ही पढ़ते रहते हैं ना, तो ये देख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, Which state government signed a MOU with the Sri Vallabh Pitti International Group for development of the facilities related to aviation, defense and the textile sector? तो कौन सा state government जो है वो MOU sign कर रहा है? Sri Vallabh Pitti. शायद मेरे ख्याल से MOU का session शुरू हो गया है हमारा यहाँ पे. ठीक है, और देख लीजिए क्या इसका answer होगा. इसका answer I think राजस्थान है. Option number A is absolutely right answer. ठीक है, 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरा राजस्थान में ये करेगी श्री वल्लभ पिट्टे इंटरनेशनल ग्रुप फॉर द डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू क्रिएट उद्योग बंधु लाइक बॉडी फॉर फार्मर्स टू असिस्ट इंटरप्राइजिंग? ये मैंने पढ़ाया है, उद्योग बंधु लाइक बॉडी ये कौन करेगा? ये यूपी करेगा. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट कंडक्टेड ऑनलाइन? नहीं अभी नहीं, 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट कंडक्टेड ऑनलाइन? वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आंसर की बात कर ले, इसका आंसर होगा पी इनियन, ऑप्शन नंबर सी. पी इनियन, इनियन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. तो इंडिया के ग्रैंड मास्टर है पी इनियन, इन्होंने 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है. ठीक है, तो याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन का रेस? बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? आंसर की बात कर ले, आंसर इज लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ठीक है,
Next point. Where is the world longest span concrete deck extra dose cable state bridge inaugurated in September 2020? विश्व का सबसे लंबा कंक्रीट डेक एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेट मतलब केबल पे टिका हुआ ब्रिज है, इसका इनॉग्रेशन कहां पे हुआ है? गुवाहाटी में, भोपाल में, हैदराबाद में, कोलकाता में? वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी. हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने इसे लॉन्च किया है. ठीक है, ये विश्व का सबसे लंबा स्पैन कंक्रीट डेक एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है और ये हैदराबाद के दुर्गम चेरू में लॉन्च हुआ है. ठीक है, चेरू में. इसकी टोटल कॉस्ट 184 करोड़ रुपीस है और इसे लार्सन एंड टर्बो ने बनाया हुआ. इसकी जो लेंथ है वो 435 मीटर है. ठीक है, इतना याद करें ना, बस काम इतना में हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज इन द नेम ऑफ द रिनाउंड म्यूजिशियन द लेट दीनानाथ मंगेशकर? दीनानाथ मंगेशकर जी के नाम पर बेसिकली गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज का नाम रखा जाएगा. ये वर्ल्ड क्लास का होगा. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट इसे बना रही है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आंसर की बात कर ले, इसका आंसर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी. महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई द राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? पहली वुमेन फाइटर कौन होंगी जो कि राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चलाएंगी? वी हैव फोर ऑप्शन. रियली प्राउड का सब्जेक्ट है हमारे लिए. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिवांगी सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, ये वाराणसी से बिलोंग करती है बेसिकली, यूपी से. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. विच सिटी इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड विच विल क्रिएट वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड टू चार्ज एंड पावर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन द सिटी? मैंने आपको पढ़ाया हुआ, इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए, वी हैव फोर ऑप्शंस, व्हाट इज द आंसर? आंसर की बात कर ले, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर टेल अवीव, ऑप्शन नंबर बी. टेल अवीव इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. As announced by the railway minister Piyush Goyal, by which year has the railway planned for 100% electrification of the broad gauge route? 100% electrification of its broad gauge route. We have four options. What is the answer? इसका आंसर क्या होगा? आंसर की बात कर ले, आंसर इज 2023, ऑप्शन नंबर बी. 2023, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा ब्रॉडगेज का. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. विच डिवीजन ऑफ द साउदर्न रेलवे हैज लॉन्च एन इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेट सेवा? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ही आ सकता है. तो रेलवे की कौन सी, साउदर्न रेलवे की कौन सी डिवीजन ने अपना एक एप्लीकेशन फ्रेट सेवा शुरू किया है? सालेम, तिरुनाचेपल्ली, चेन्नई, मदुरई? व्हाट इज द आंसर? तिरुचिरापल्ली, एंड द आंसर इज चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. चेन्नई हमारा सही आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज इंडिया फर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2020 टू हैंडल द फ्लाइट ऑपरेशंस ऑफ प्राइवेट जेट? क्या इसका आंसर होगा? तो प्राइवेट जेट, याद करिए, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, सुबह ही हम कर चुके हैं. इसका आंसर आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ये हमारा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In which state Union Minister of State for Shipping Mansukh Mandaviya launched Sarod Port through a virtual ceremony? तो किस राज्य में हमारे देश के Minister of State for Shipping Mansukh Mandaviya ने Sarod Port launch किया है? We have four options. What is the answer? इसका answer क्या होगा? इसका answer Delhi. Option number B is right answer. Sarod Port will resolve the dispute in fair and just manner while saving huge amount of legal expenditure and time. Sarod Port, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. विच वेबसाइट वॉज लॉन्च बाई द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर एरो इंडिया 2021? एरो इंडिया 2021 के लिए कौन सी वेबसाइट डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च की है? वी हैव फोर ऑप्शंस. क्या इसका आंसर हो गया? यहां पे एयर इंडिया लिखा है, यहां पे एरो इंडिया, यहां पे एरो देश, यहां पे एरो इंडिया डॉट जीओवी. एर ओ इसमें अंतर क्या है? अच्छा, ये इन डॉट इन है या जीओवी डॉट इन है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा. तो एरो इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन है, इंड नहीं है, ये वाला नहीं है. तो ये वाला पॉइंट हमारे सामने, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर एरो इंडिया 21 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है. ठीक है, और ये 13th एडिशन होगा एरो इंडिया का. ठीक है, और ये कहां पर होगा? ये बेंगलुरु में हर साल होता है, तो ये याद रखना. ठीक है, तो बेंगलुरु में होने वाला है 13th एडिशन एरो इंडिया 2021, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इंडियाज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हैज डिक्लाइन सब्सटेंशियली बिटवीन विच ईयर टू विच ईयर? तो यूएन के हिसाब से भारत की जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है मतलब शिशु मृत्यु दर, वो कॉन्टिन्यूअस बड़े तेजी से कम हुई है. किस ईयर से किस ईयर के बीच में कंपेरिजन किया गया, ये आपसे पूछा गया.
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1990 ऑप्शन नंबर सी, 1990 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 1990 से लेकर 2019 तक के बीच में कंपैरिजन हुआ, यूएन ने किया, ठीक है। देखते हैं क्या इसमें पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट है तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विच एयरलाइन हैज इंट्रोड्यूस अ पोर्टेबल वेंटिलेटर फॉर पेशेंट विथ माइल्ड टू मॉडरेट ब्रीथिंग इश्यू। तो किस एयरलाइन ने पोर्टेबल वेंटिलेटर शुरू किया है अपने यात्रा में? कोई अगर कस्टमर कोई है जिसे मतलब ब्रीथिंग इश्यू है माइल्ड टू मॉडरेट, उसके लिए क्या इसका आंसर होगा? बियर फोर ऑप्शन, आंसर की बात कर लें, आंसर इज स्पाइसजेट ऑप्शन नंबर है। स्पाइसजेट ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो स्पाइसजेट ने जो है वो स्पाइस ऑक्सी नाम का वेंटिलेटर लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर्म बाय द आरबीआई टू रन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ कैश स्टेप लक्ष्मी विलास बैंक। जब तक कि कोई नया सीईओ नहीं आया था, कमिटी ऑफ द डायरेक्टर, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ द डायरेक्टर, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मीता मखान, ऑप्शन नंबर डी। तो कमेटी चेयरपर्सन इज मीता मखान, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। मॉक्टर औने हैज बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री। मॉक्टर औने जो है वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? टर्की, जॉर्डन, माली, नाइजीरिया। वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्तफा अदीब हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री। मुस्तफा अदीब हैज बीन इलेक्टेड, जॉर्डन, मालदीव, लीबिया। मुस्तफा अदीब, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज लेबनन। आई थिंक उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ना, ठीक है। नेक्स्ट, लेबनन प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अदीब हैज अनाउंस हिज रेजिग्नेशन। हाँ भाई, तो मैंने बोला इन्होंने तो लेबनन के प्राइम मिनिस्टर पे इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स एडवाइजर बाय द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन। एडवाइजर बाय द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन, वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सुनील सेठी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सुनील सेठी ये एक्टर नहीं है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई के नए चेयरमैन कौन बन गए, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पीडी वाघेला, ऑप्शन नंबर डी। पीडी वाघेला, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा, देख लीजिए, आंसर क्या होगा? आंसर इज एल एडिमोलम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रोप्ड इन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन टू प्रिवेंट गुलिबल अकाउंट होल्डर फ्रॉम बीइंग डब्ड बाय द फ्रॉडस्टर। हु हैज बीन रोप्ड इन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता है कौन है, ये तो ये आपके अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अमिताभ बच्चन देश के सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सीएट टायर। सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आमिर खान बने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एसर इंडिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कौन है? ये सोनू सूद है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री। मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ये जो है ये अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट किस कंट्री के? लीबिया के, पोलैंड के, सोमाली के, इजिप्ट के, व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या होगा? आंसर इज सोमाली, सोमाली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर रेयर सूद जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बाय द गवर्नमेंट, वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा, आंसर की बात कर ले, आंसर इज सीमांचल दास जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द डेब्ट रिडन, मतलब कर्ज में फंसा हुआ ILNFS ग्रुप बाय 1 ईयर। तो ILNFS ग्रुप में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे ये, इनका टाइम बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। कौन है ये, कौन है? तो ये है गौतम ना, ये कौन होगा? उदय कोटक। हाँ भाई, तो उदय कोटक जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे थे, इनका एक्सटेंशन बढ़ाया गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट. खुशी चिंदलिया फ्रॉम सूरत हैज बीन नेम्ड एज द रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. खुशी चंदलिया को जो सूरत से बिलोंग करती हैं, इनको रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बनाया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी. यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अलेक्जेंडर जी लुकाशेंको ये छठवीं बार बन गए हैं प्रेसिडेंट किस कंट्री के, ये आपसे पूछा गया है. बेलारूस, बुल्गारिया, हंगरी, आयरलैंड. इसका आंसर आप लोग जानते हैं. लुकाशेंको की बात करें, ये बेलारूस के छठी बार क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए. नेक्स्ट पॉइंट. इस्माइल टोरुआमा इसराइल टोरुआमा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द विच फॉलोइंग. इस्माइल टोरुआमा जो है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, वी हैव फोर ऑप्शन. और आंसर की बात कर ले, आंसर इज बोंगेविले, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. Who has been appointed as the cultural secretary as part of a top level? ठीक है, तो हमारे देश के कल्चर सेक्रेटरी कौन बने, पांच चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर क्या होगा. कल्चर सेक्रेटरी कौन बने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राघवेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the new administrator of the Punjab and the Maharashtra Cooperative Bank by the Reserve Bank of India? इनका नाम क्या है, A.K. Dixit, ऑप्शन नंबर बी. A.K. Dixit, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. Next point. Bah Nadda has been appointed as the interim president of which country? Interim president of the which country? We have four options. What is the answer? Iska answer kya hone wala hai? Iska answer hone wala hai Mali. Option number D is right answer. Which former prime minister or president of India took oath as the member of the Rajya Sabha in September 2020? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है हरदन हल्ली डुड्डा गौड़ा देव गौड़ा. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. बचपन में जीके क्वेश्चन था ये, फुल फॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट. सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट, वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर, आपका आंसर क्या होने वाला है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एनटीआरओ, एनटीआरओ के हेड को मतलब हेड कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अनिल दसमाना. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. Who has been appointed as the head of the vertical emerging entrepreneur business? ये ध्यान देना, बंधन बैंक ने अपना एक नया वर्टिकल लॉन्च किया, emerging entrepreneur business. इसको लीड कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया. ये फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा. आंसर की बात कर ले, कुमार आशीष, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, तो ये कुमार आशीष जी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Whose tenure has been extended by the central government as the deputy national security advisor? I think हमने सुबह ही क्वेश्चन किया था यश. इनका नाम क्या है, इनका नाम पंकज सरन जी है. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदन हैज बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 11 पैनलिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. यूएन, एफएओ, यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ. क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा. मैं थोड़ा पानी पी लूं यार, है ना. आंसर इज WHO, ऑप्शन नंबर डी. तो WHO ने इंडिपेंडेंट पैनल बनाने की बात बोली थी जिसमें 11 मेंबर होंगे, तो इसमें प्रीति सुदन को भी ऐड किया गया है. ठीक है, ये हमारा पॉइंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. तो ये तुमको पता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन बने, परेश रावल बने. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेलिब्रिटी एडवोकेट बाई यूनिसेफ फॉर चिल्ड्रन राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड. ये आयुष्मान खुराना जी है. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. हाँ पी लो भाई, पी लो. सर थोड़ा स्लो, अनु जी टाइम थोड़ा कम है हमारे पास. ठीक है, आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं यहाँ पर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सिटी ग्रुप. वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सिटी ग्रुप, वी हैव फोर ऑप्शन. देख लीजिए, आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा. आंसर की बात कर लेंगे गाइस, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जेन फ्रेजर. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये दोबारा से पॉइंट हुए हैं. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर, मनोज झा, सुकुमार, वीरेंद्र भगत, हरिवंश. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया. न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर गाइस,
इसका आंसर क्या होगा? थक तो नहीं है तुम लोग? आई थिंक थक गए हो, लग रहा है मुझे ऐसा, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सुभाष कामत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. Who has been appointed as the executive director at the World Bank by the appointment committee of the cabinet? Executive director at the World Bank by the appointment committee of the cabinet. What is the answer? We have four option. What is the answer? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजेश खुल्लर, ऑप्शन नंबर सी. राजेश खुल्लर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. Next question. Who has been appointed as the executive director of the Asian Development Bank by the appointment committee of the cabinet? What is the answer? नहीं थके हैं, अच्छा देखते हैं. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समीर कुमार खरे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. समीर कुमार खरे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. Who has become the first Indian actor to lend his voice to the tech giant Amazon? तो आपको ये पता है क्या इसका आंसर है ना? Amazon ने अपने Alexa के लिए किसकी आवाज ली है? We have four option. What is the answer? मेरी भी आवाज ठीक है वैसे, है ना? आंसर क्या होगा? आंसर इज अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर बी. अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. अमिताभ बच्चन. आगे बढ़ते हैं. Who has been signed as the brand ambassador of Paytm First Games, a subsidiary of the digital financial service platform Paytm? Brand ambassador of the Paytm First Games, तो हमको पता है इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ द क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. Who has been signed as the brand ambassador of the educational technology company Great Learning? Great Learning ke brand ambassador kaun bane hain? We have four option. What is the answer? Bas bhook lag gayi hai sir. Kaun hai? Piyush Raj. Answer is Virat Kohli, option number B. Virat Kohli, option number B is right answer. Virat Kohli hamara sahi answer. Next question. Who is elected as the new prime minister of Japan after the resignation of Shinzo Abe? So, Suga ji, aapko yaad hai na? Suga, Tota Suga. Option number C is right answer. Next point. Who has been appointed as the new country director for India by the Asian Development Bank? Asian Development Bank ne India ke liye country director kisko appoint kiya hai? We have four option. What is the answer? Iska answer kya hoga? Answer ki baat kar le, iska answer kya hoga? Iska answer hoga Takeo Konishi, option number A. Takeo Konishi, option number A is right answer. Next point. Who has been appointed as the director of the Global Business Group to lead the strategy and delivery of the India marketing solution of by Facebook? Jab bhi meri night mein class hoti hai, मैं रात में कभी खाना नहीं खाता, क्योंकि इतना लेट में खा नहीं पाऊंगा 12-1 बजे, और अगर मैं पहले खा लूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना? तो अगर मैं आपकी पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस कर सकता हूँ कुछ चीजें, तो आपको भी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो तो है ना? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज अरुण श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जी, विच मिनिस्टर इज बीइंग गिवन हर पोर्टफोलियो एज द एडिशनल चार्ज? वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? ये आपको बता आंसर क्या होगा. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. हु इज रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स? नाइन स्टैक्स एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर बैंकिंग की क्लास में फ्राइडे को करा दूंगा, रात भर करा दूंगा, रात भर में टॉपिक वाइज में करा दूंगा भाई, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं तुम्हारे, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज डिप्टी पंकज सरन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. तो ये भी हमको बताया, कुमार आशीष का आंसर होगा. ठीक है, चलिए. भुवनेश्वर कुमार एंड विच अदर क्रिकेटर हैव बीन साइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द प्लेयर स्पॉट, द फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म? प्लेयर स्पॉट की ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार और साथ में कौन बना, ये आपसे पूछा गया. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आंसर की बात कर ले, आंसर इज स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. स्मृति मंधाना हमारा सही आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेंकटेश गुलाटी एज इट्स 35th प्रेसिडेंट ऑफ द पीरियड 2022-22? What is the answer? Venkatesh Gulati को अपना 35वां प्रेसिडेंट किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ये आपसे पूछा गया. We have four options. आंसर क्या होगा? आंसर होगा फेडरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, यानी कि FADA, फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज ट्रेड इनवॉय फॉर एडवांसिंग बिजनेस टाइज विद इंडिया? ये मैंने आपको पढ़ाया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? ये है मैथ्यू हेडन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर.
नेक्स्ट पॉइंट फॉर एक चीज और इसमें इंफॉर्मेशन थी देते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर मैथ्यू हेडन एंड इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन लीजा सिंह. लीजा सिंह ये भी नाम याद रखिएगा ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. फॉर्मर स्टाइलिश बैट्समैन इयान बेल हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट हेल्स फ्रॉम विच कंट्री. तो इयान बेल जो है ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे बल्लेबाज थे. तो आंसर इज यूके ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट प्लीज प्रोवाइड नवंबर. मुरली जी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए. टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा मेरे. आप एक बार डिमांड तो करिए. हमारे सारे बच्चे वहां पे रॉकस्टार हैं. आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाएंगे ठीक है. राजीव बिलाल हैज रिजाइन एज द पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक. राजीव बिलाल रिजाइन दे चुके हैं पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक. फोर ऑप्शन व्हाट इज द आंसर. इसका आंसर क्या होने वाला है भाई लोग. इसका आंसर क्या होने वाला है. इसका आंसर होने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. Which of the following appointed Kenichi Ayukawa as the new president? तो Kenichi Ayukawa को किसने नया प्रेसिडेंट बनाया है. We have four options. What is the answer? इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर. सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is appointed as the new president of All India Tennis Association? New president of the All India Tennis Association. We have four options, guys. What is the answer? Iska answer kya hoga? Iska answer kya hoga? Iska answer Anil Jain. Option number B. Anil Jain. Option number B is right answer. ठीक है. बीजेपी के राज्य मेंबर अनिल जैन इनको बनाया गया. नेक्स्ट पॉइंट. हु इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैट्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर. इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर इनका नाम है छत्रपति शिवाजी. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. क्या नाम है भाई है ना दम है नाम है. नेक्स्ट पॉइंट. हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कमांडर टू हेड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फॉर्मेशन इन द कश्मीर वैली. Will become the first woman commander to head the Central Reserve Police Force formation in the Kashmir Valley. What is the answer? We have four options. हमारे सामने चार ऑप्शन है. आंसर क्या होगा. आंसर है चारो सिन्हा. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर आर एंड डी. डायरेक्टर आर एंड डी ऑफ द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक डिपार्टमेंट ऑपरेशन आर एंड डी. उसके डायरेक्टर कौन बने हैं. वी हैव फोर ऑप्शन. वॉट इज द आंसर. आंसर क्या होगा. आंसर इज एम वी राजेश शेखर. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम पी राजशेखर एज एडिशनल. ये क्या है. ये क्वेश्चन गलत है ठीक है. ये क्वेश्चन गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एसबीओ टॉप हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. एसबीओ टॉप हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर. अक्टूबर करवाए बेटा. आधा करवा दिए थे आधा नहीं करवा पाए थे. पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दी है सेम पीडीएफ. इसका आंसर क्या. इसका आंसर ड्वेन ब्रेवो. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. As per the revised priority sector lending guidelines released by the Reserve Bank of India in September, up to how much amount can be given as the bank finance to startup? We have four options, guys. What is your answer? आपका आंसर क्या होगा देख लीजिएगा. इसका आंसर 50 करोड़ रुपए. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. एस कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड द सीईओ ऑफ द विच बैंक. एस कृष्णन ये एमडी सीईओ बने किस बैंक के. ये आपसे पूछा गया है और हमारे सामने पांच ऑप्शन है. क्या इसका आंसर होगा. आंसर इज पंजाब एंड सिंध बैंक. एस कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द पंजाब एंड सिंध बैंक. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है. आगे बढ़े. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने. हु इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड द सीईओ ऑफ द साउथ इंडियन बैंक. साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ कौन बने. अगर आप बैंक एग्जाम के लिए जा रहे हो तो बैंकिंग के अपॉइंटमेंट आपको फोकस थोड़े करने पड़ेंगे. ठीक है. इसका आंसर क्या होगा. आंसर इज मुरली रामकृष्णन. ऑप्शन नंबर ए. मुरली रामकृष्णन. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. मुस्तफा अदीब हैज बीन अपॉइंटेड. तो गाइज आपको पता है अभी हम लोग बात कर चुके हैं. ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे बट मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए. इन्होंने इस्तीफा दे दिया है. ठीक है. तो ये हम लोग को पता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. विच इंडियन सेलिब्रिटी हैज बीन नेम एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फ्लिपकार्ट ओन फैशन मार्केट प्लेस मिंत्रा. मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया. इसका आंसर क्या होगा. आप लोग को पता है क्या इसका आंसर. इसका आंसर है कियारा आडवाणी. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. Who has been given additional charge as the chairman and the MD of the oil company Bharat Petroleum Corporation? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और MD कौन बने हैं. हालांकि इनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है. ए मिश्रा, पी शिवलकर,
एस नाडेकर एंड के पद्माकर. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा के पद्माकर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. के पद्माकर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन गिवन वन ईयर एक्सटेंशन एज द चेयरमैन एंड द एमडी ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? आंसर आपको देना है क्या इसका आंसर है. ठीक है, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एलसी गोयल ऑप्शन नंबर ए. एलसी गोयल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ठीक है, थोड़ा एक मिनट ब्रेक लेते हैं, कुछ मन की बात, दिल की बात कर लेते हैं. बहुत दिन से बात की नहीं है. मे बी आप लोग शायद चले जाएं, लेकिन थोड़ा एक मिनट ब्रेक ले लेते हैं. आप लोग भी थोड़ा आराम कर लें. तो मैं आपको इस एक मिनट में मैं तो बोलूंगा ही. ठीक है गाइस, कभी कभी ऐसा हमारी लाइफ में होता है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज कॉन्टिन्यूस करते रहते हैं ना, दो दिन, पांच दिन, एक महीने, छह महीने, एक साल, तो हम उस चीज से थोड़ा बोर होने लगते हैं, थोड़ा सा बोर होने लगते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है कि हमें आज शाम को 5 बजे स्पीड टेस्ट देना है, या हमें आज रात में ये क्लास देखनी है, या हमें ये आज रात में इतने क्वेश्चंस करने. कभी कभी हमको बोरियत फील होती है, कभी नहीं, ये अक्सर होने लगता है बाद में ही होने लगता है. हमें बोरियत होने लगती है और वो चीज़ हम स्किप कर देते हैं, वो चीज़ हम स्किप कर देते हैं. तो गाइस मैं बस आपसे इतना बोलूंगा ना कि जब आपके माइंड में स्किप करने ख्याल आए कोई भी चीज़, जैसे आपका स्केड्यूल जो भी है आप उसे टालना चाह रहे हो, स्पीड टेस्ट को टालना चाह रहे हो, कुछ भी, जब भी आपके माइंड में एक ख्याल आएगा स्किप करने का, तो वो जो ख्याल है ना, वो ख्याल को आप कैसे हटाते हो, कैसे रिमूव करते हो, ये जो एटीट्यूड है ये आपकी लाइफ बना देगा. जब भी तुम्हें लगे ना यार आज बहुत काम हो गया, सोते हैं यार आज बहुत काम हो गया, सोते हैं नहीं कर पाएंगे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना तुरंत उठ जाओ, जहां भी तुम बैठे हो तुरंत उठो, बाजी पर घूम लो, घर वालों से बात कर लो, कुछ भी कर लो, और अपने माइंड में एक सोचो एक बात की, यार मतलब ये चीज मुझे आज करनी क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तुमने अगर इस पर विजय पा ली, मतलब ये चीज को तुमने अगर मतलब इसको स्किप करना सीख गए, स्किप को छोड़ना सीख गए, तो मतलब तुम अपने लाइफ में पंक्चुअल तो हो जाओगे. और पंक्चुअलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज. मैं गाइज आप मुझे 2-3 साल से फॉलो कर रहे हो, आप मेरे को बता दो, अगर इंटरनेट का इशू ना रहा हो तो आपने मुझे कभी देखा है मेरा सेशन लेट होते हुए? अगर टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो पंक्चुअलिटी. तो बस मैं आपको ये एक एडवाइस दे रहा हूं, एक ज्ञान दे रहा हूं बेटा, कि बात को समझो, तुम्हारे माइंड में ऐसी चीजें आती हैं, जब भी वो चीज आए ना तुरंत वो ख्याल दिमाग से निकालो, उठो, और यकीन मानो जब तुम फिर वो काम करोगे ना तो और बेटर कर लोगे. ये चीज तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी अपने सिलेक्शन के लिए. ठीक है, ऐसा होता है गाइस, ये नॉर्मल चीजें हैं, हमारे आपके साथ सबके साथ ऐसा होता रहता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की. मैंने क्वेश्चन पूछा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वीके यादव, ऑप्शन नंबर डी. वीके यादव, तनुजा अग्रवाल, लग रहा है आप मुझे सीए फॉलो नहीं करती हैं. आप बोलिए शार्प 7 o'clock, मेरा सीए 6:30 बजे होता है, यानी मुझे ये क्लास करके अभी सीए भी बनाना है और 6:30 बजे क्लास भी लेनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द कंट्री प्रीमियर न्यूज़पेपर. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने, ये आपसे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अवीक सरकार, ऑप्शन नंबर बी. अवीक सरकार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर द फॉर्मर स्टेप्ड डाउन फॉर द पोजीशन. अशोक लवासा जी थे, अशोक लवासा जी एडीबी चले गए, क्या बन गए? वाइस प्रेसिडेंट. तो उनकी जगह पे कौन अपॉइंट हुआ, ये आपसे पूछा गया. वी हैव फोर ऑप्शन. आंसर क्या होगा उसकी हम बात कर ले, आंसर की बात कर ले, आंसर इज राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए. राजीव कुमार ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. हेमंत खत्री रिटायर्ड हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द एमडी ऑफ द विच डिफेंस शिप बिल्डर कंपनी. विच डिफेंस शिप बिल्डर कंपनी. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी, हैज बीन गिवन अ 6-month एक्सटेंशन टिल फरवरी नेक्स्ट ईयर एज द चेयरमैन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग. पीसी मोदी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है, और ये चेयरमैन है किस बॉडी के, ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. Who has been appointed as the new chief of the material of the Indian Navy?
न्यू चीफ ऑफ द मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी, बी है फोर ऑप्शन, आपका आंसर क्या होगा देख लीजिए यहाँ पे, आंसर की बात कर लें, आंसर इज एस आर शर्मा ऑप्शन नंबर डी, एस आर शर्मा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. हु हैज बीन कंफर्ड विद द लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2020-21, लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द 2020-21, वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उषा मंगेशकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. हु हैज बीन कंफर्ड विद द असम गवर्नमेंट श्रीमंता शंकर देवा अवार्ड 2017, तो क्या बोला गया, किसको किसको असम सरकार का श्रीमंता शंकरा देवा अवार्ड मिला है 17 का, वी हैव फोर ऑप्शन, क्या इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 17 वशिष्ठ देव शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. Which woman midfielder won the All India Football Federation Footballer of the Year? Which woman midfielder? All India Football Federation Footballer of the Year Award. We have four options. What is the answer? आपका answer क्या होगा? हम उसकी बात कर लें. इसका answer क्या होगा? इसका answer संजू यादव option number B. सचिन मोदी सर थैंक यू सो मच, मैंने अपने लाइफ में कुछ सीखा है अगर ऑनलाइन में तो वो आपसे सीखा है, आप मेरे गुरु रहे हैं ऑनलाइन में, आपने मुझे बहुत, जब मैं मुंबई में था तब से मुझे आपने ज्ञान दिया है, आपका सानिध्य हमेशा मेरे लिए अच्छा रहता है, मैं हमेशा आपसे सीखता हूँ सर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे फिल्म मेकर श्रीहरि धर्मन आवूर्ति won the best film trophy in the IFFT Orange Short and Documentary Film Festival. It is based in which language? क्या इसका आंसर देख लीजिए, यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, तो फिल्म मेकर श्रीहरि धर्मन की एक आवृत्ति, एक मूवी आई थी जिसे बेस्ट फिल्म ट्रॉफी का अवार्ड मिला है IIFT ऑरेंज शॉर्ट में, ये किस भाषा में थी ये आपसे पूछा गया, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, एंड द राइट आंसर इज मलयालम ऑप्शन नंबर ए, मलयालम ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. हु हैज वॉन द जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड, जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड किसे मिला है फॉर हिज इन्वेंशन अर्थ तत्व, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये फोर ऑप्शन, आंसर की बात कर लें व्हाट इज द आंसर, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर शशांक निमक, टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे है भैया जीए बाई अभिजीत सर, सर्च कर लो. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कृषि भवन बिल्डिंग वॉज सेलेक्टेड एज द पीपल्स चॉइस विनर एट द एजेड अवार्ड, यानी गाइस हम लोग इस पर आ गए, हम लोग अवार्ड्स पर आ गए, ठीक है अवार्ड्स पर आ गए, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ओडिशा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट बैंक्ड अ यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर हिट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, किस स्टेट को यूनाइटेड नेशन का अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा केरला, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केरला हमारा सही आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट ह्यूमन बाई नेचर कैंपेन, विच स्टेट ह्यूमन बाई नेचर कैंपेन बैक द प्रेस्टिजियस पाटा ग्रैंड अवार्ड फॉर मार्केटिंग, पाटा ग्रैंड अवार्ड फॉर मार्केटिंग, वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर ए, केरला हमारा सही आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, जर्नलिस्ट जेनिथ बेडोया लीमा हु हैज बीन अवार्डेड द गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर बिलोंग टू विच कंट्री, जर्नलिस्ट जेनिथ बेडोया लीमा जिनको अभी अवार्ड मिला है द गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड, किसने दिया है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर ने, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वेनेजुएला अर्जेंटीना कोलंबिया हंगरी, व्हाट इज द आंसर, बजट ज्योति बेटा मेरा नाम सर्च करो अभिजीत सर गाइडली बजट आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आंसर इज कोलंबिया ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कोलंबियन जर्नलिस्ट हैं ये जीनथ बेडोया लीमा. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द 2020 ब्रांड जेट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग, तो भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड In the brands that top 75 most valuable Indian brand, what is the answer? We have four options. Iska answer kya hoga? Iska answer kya hoga? Iska answer HDFC Bank hoga. Option number C is right answer. HDFC Bank hamara sahi answer. Next point. Which airport has been granted the airport health accreditation by Airport Council International for the safety measure being taken at the aerodrome? ज्योति जी क्या आप मेरी आवाज को सुन नहीं रही हैं, क्या साइलेंट की हुई है क्या, एक ही क्वेश्चन आप बार बार पूछ रही हैं, मैंने आपसे बोला कि मैंने क्लास ली है, मेरा नाम सर्च कर लीजिए मिल जाएगा आपको,
लग रहा है म्यूट करके आप मेरे से पूछना चाह रही हैं, तो मेरे अंतरात्मा से आवाज नहीं आती, मुंह से आती। इसका आंसर क्या होगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु वॉज द वनली पीएम ऑफ इंडिया टू हैव रिसीव्ड द आईजी नोबल अवार्ड? आईजी नोबल अवार्ड, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या देख लीजिएगा। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी को आईजी नोबल अवार्ड मिला, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु फ्रॉम इंडिया हैज बीन नेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन टू बी द 2020 कोहर्ट ऑफ यंग लीडर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इंडिया से किसको एक मतलब नाम मिला है, मतलब पहचान मिली है, मतलब अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन टू द 2020 कोहर्ट ऑफ यंग लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उदित सिंगल, ऑप्शन नंबर डी। उदित सिंगल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु हैज नेम एज द टॉप थिंकर 2020 फॉर COVID-19 बाय द ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट? What is the answer? इसका answer हो जाएगा केके शैलजा, option number B is right answer। केके शैलजा हमारा सही answer। Next point। फिल्म मेकर केके शैलजा को पता है ना, ये हेल्थ मिनिस्टर है केरला की, ठीक है, देख लीजिएगा। Next point। फिल्म मेकर चैतन्य तमहाने की मूवी थी द डिसिप्लिन won द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट द वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। द ड्रामा फिल्म इज बेस्ड इन विच लैंग्वेज? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। What is the answer? इसका आंसर क्या होगा? आंसर की बात कर लें, एंड द आंसर इज मराठी, ऑप्शन नंबर ए। मराठी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सलेंस 2020? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सलेंस। उदय कोटेक, रजनीश कुमार, आनंद महिंद्रा, आदित्यपुरी, वी आर फोर ऑप्शन। व्हाट इज द आंसर? आंसर की बात कर ले, आंसर इज आदित्यपुरी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। विच इंडियन शेफ will be honored with the prestigious 2020 Asia Game Changer Award for feeding millions across India amid the COVID-19 pandemic? We have four options. What is the answer? इसका आंसर क्या हो देख लीजिएगा। We have four options. Answer की बात करें, answer is Vikas Khanna, option number B. Vikas Khanna, option number B is right answer. Next point. Which airport has become the first airport in the world to earn the COVID-19 five-star airport rating from Skytrax? विश्व का पहला एयरपोर्ट जिसे COVID-19 फाइव स्टार एयरपोर्ट रेटिंग मिली है, और वो एयरपोर्ट कौन सा है? वो एयरपोर्ट है फियुमिचिनो एयरपोर्ट, रोम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। हु फ्रॉम इंडिया हैज बीन, ये तो हो गया ना हमारा, इसका आंसर क्या है? उदित सिंगल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सर डेविड एटनबर्ग हु हैज बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजार्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2019 इज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? हमने ये पढ़ा हुआ है, प्रोफेशन क्या है इनका? डेविड एटनबर्ग का। इनका प्रोफेशन क्या है? ये एक ब्रॉडकास्टर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये एक ब्रॉडकास्टर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निकुल कॉस्मोस स्टार्टअप और विच इंस्टीट्यूट हैज बीन कन्फर्ड विद द TIE50 अवार्ड? अग्निकुल कॉस्मोस एक स्टार्टअप है, किस इंस्टीट्यूट का जिसे TIE50 अवार्ड मिला है? वी हैव फाइव फोर ऑप्शन, देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। अग्निकुल कॉस्मोस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी। IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has been conferred with the Rashtriya Khel Protsahan Puraskar 2020 for the outstanding contribution? और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला है? We have four option. What is the answer? इसका answer क्या होगा? इसका answer क्या होगा? इसका answer हो जाएगा Navy Sports Control Board. Navy Sports Control Board. Option number A is right answer. Which team won the AIMA Chanakya Business Simulation Game, National Management Games 2020 and All India Competition for Corporates? तो कौन सी टीम को AIMA चाणक्य अवार्ड मिला है? बेसिकली ये एक नेशनल मैनेजमेंट गेम्स था, एंड ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन फॉर कॉर्पोरेट। वी हैव फोर ऑप्शन। व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा NTPC वेल्लूर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। NTPC वेल्लूर तमिलनाडु की टीम थी जिसने ये अवार्ड जीता। विच एयरपोर्ट हैज बीन अवार्डेड CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड एट द 21st नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इन द एनर्जी मैनेजमेंट? व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट, में क्वेश्चन जल्दीबाजी में पड़ गया, एक मिनट रुकिए। एयरफोर्स स्पोर्ट्स है, हाँ ठीक है, इसका आंसर एयरफोर्स है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये गलती है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल। गाइस देख लीजिएगा फिर से एक बार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
यहाँ पे लिखा भी है एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल. सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. यहाँ पर हम लोग, ये हमारा हो गया. ठीक है ठीक है. विच प्लेयर रिसीव बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट एंड गेम्स बाय द ओडिशा गवर्नमेंट. ठीक है, तो बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स बाय द ओडिशा गवर्नमेंट. वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? आपका आंसर क्या होगा देख लीजिए. यहां पे आंसर की बात करते हैं, एंड द आंसर इज जयंती बेहरा. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. जयंती बेहरा एंड दीप ग्रेस इक्का, इनको बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है. ठीक है, याद रखिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. Maritime Union of India collaborated with the United Nations to help Indian seafarer stranded on ship during COVID-19. Where is the headquarter of the MUI situated? मतलब Maritime Union of India की बात करें तो इसका headquarter कहाँ पे है? इसने collaboration किया था with the United Nations to help Indian seafarer stranded on ship during the COVID-19. What is the answer? We have four options. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मुंबई, ऑप्शन नंबर ए. तो मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एमओयू इन द फील्ड ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? मतलब यहां पर हम लोग एमओयूज की बात कर रहे हैं. व्हाट इज द आंसर? India signed an MOU in the field of the intellectual property cooperation. We have four options. What is the answer? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डेनमार्क है, ऑप्शन नंबर बी. Denmark, option number B is right answer. Next point. In September 2020, which state signed an MOU with the UK-India Business Council to accelerate industrial development in the state? So, UK-India Business Council ne Maharashtra bhi agreement kiya tha, but ye option mein nahi hai. To West Bengal se bhi kiya tha, I think ye hoga. Option number A is right answer. Ji haan, bilkul sahi. West Bengal, option number A is right answer. Which country startup National Central and which country's startup National Central and Ahmedabad-based iCrate inked a MOU for starting a program to bring together former countries and Indian entrepreneurs. किस कंट्री का स्टार्टअप है नेशनल सेंट्रल और अहमदाबाद बेस्ड आई क्रिएट, इन्होंने आपस में एमओयू साइन किया है फॉर स्टार्टिंग द प्रोग्राम टू ब्रिंग टुगेदर फॉर्मर कंट्रीज एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर. व्हाट इज द आंसर? चिली, इक्वाडोर, इराक, इजराइल. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इजराइल, ऑप्शन नंबर डी. इजराइल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. इजराइल का स्टार्टअप है नेशनल सेंट्रल और अहमदाबाद बेस्ड आई क्रिएट, इन्होंने आपस में एमओयू साइन किया है टू ब्रिंग द टुगेदर इजरायली एंड द इंडियन एंटरप्रेन्योर एक साथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द गूगल क्लाउड टू ब्रिंग कंपनी एक्शन पोर्टफोलियो स्टेटिंग विद एक्शियन एवलॉन्च. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है. एक्शियन एवलॉन्च को गूगल क्लाउड पर कौन ले गया है? SCL. आई थिंक ये SCL है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. बिल्कुल सही, SCL ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. Next point. Which ministry has signed an MOU with the Ministry of the Women and Child Development in New Delhi in controlling malnutrition as a part of the Poshan Abhiyan? Jaldi batai mujhe. तो एमओयू साइन किया किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट. व्हाट इज द आंसर? आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष, ऑप्शन नंबर डी. मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष, ऑप्शन नंबर डी. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अशोक लेलैंड एंड हिंदुस्तान जिंक have joined hands with which institute for its endeavor to develop a zinc air battery? Ashok Leyland and Hindustan Zinc ne aapas mein MOU sign kiya hai with which institute for its endeavor to develop a zinc air battery? We have four options. What is the answer? Iska answer kya hoga? Iska answer IIT Madras, option number A is right answer. Next point. India, USA and which other country have collaborated to provide a transparent, open, reliable and secure 5G communication network? इंडिया, यूएसए और हमको बताया गया ये इजराइल है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द 5G नेटवर्क. व्हिच आईटी कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद द नास्कॉम फ्यूचर स्किल टू लॉन्च अ नेशन वाइड इनिशिएटिव? व्हिच आईटी कंपनी एंड द नास्कॉम फ्यूचर स्किल? आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट है. आंसर इज सी इज राइट आंसर. माइक्रोसॉफ्ट हमारा सही आंसर. माइक्रोसॉफ्ट और नास्कॉम का फ्यूचर स्किल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन has collaborated with which of the following to provide access to free learning resource of the latter for ठीक है, मतलब कि इंडिया का जो यूथ है उसको डिजिटल स्किल करने के लिए NSDC ने किस किस एग्रीमेंट किया? लिंक्डइन, फेसबुक, एनवीडिया. आई थिंक ये लिंक्डइन है, आई थिंक, मैं भूल रहा हूँ शायद. आंसर क्या होगा? आंसर इज लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट गवर्नमेंट साइन MOU विद द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
which state government signed MOU with the National Cooperative Development Corporation for the promotion and management of the farmer producer organization? What is the answer? Iska answer kya hoga? Answer is Odisha. Odisha government or National Cooperative Development Corporation ke bich mein MOU sign hua tha. Theek hai, next point. Which company has joined hand with the NVIDIA partner network to pursue opportunities in the artificial intelligence space? NVIDIA aur kiske bich mein agreement sign hua hai in artificial intelligence? What is the answer? Aur iska answer kya hoga? Answer is HCL Technology. Ye question important ho sakta hai. HCL aur NVIDIA. Next point. Which institute has inked an MOU with Odisha University of Agriculture and Technology for cooperation in agriculture research and education? Which institute has inked an MOU with the Odisha University of Agriculture and Technology? What is the answer? Iska answer kya hoga? Answer ki baat karein, iska answer hoga IIT Roorkee option number. IIT Roorkee and the Odisha University. Next point. Which of the following institute in collaboration with the International Finance Service Center Authority is going to establish the International Bullion Exchange in India? So, kaun sa institute hai jisne collaborate kiya hai with the International Financial Service Center Authority is going to establish the International Bullion Exchange in India? What is the answer? Ye acha question. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई एम अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी. आई एम अहमदाबाद और IFSCA. नेक्स्ट पॉइंट. व्हिच कंपनी हैज टाइड अप विद द स्विस रैपिड एजी टू ब्रिंग मैग्लेव ट्रेन टू इंडिया? मैग्लेव ट्रेन टू इंडिया, ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूं आपसे. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा उसकी हम बात कर लें. इसका आंसर होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. Next point. Which state industry department has signed an MOU with Small Industries Development Bank of India to encourage the MSME sector in the state? Which state industry department has signed MOU with the SIDBI to encourage the MSME? Ab yaha pe option mein Gujarat to hai. Dekh lete answer. Answer Gujarat, option number. Gujarat, Maharashtra, West Bengal. Next question. Which state among the following has signed an MOU with the SIDBI to provide the वही एमएसएमई हो गया. राजस्थान भी है, राजस्थान भी है, राजस्थान भी है. आंसर इज राजस्थान. तो क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. हु हैज वॉन द 2020 रिचर्ड सी होलब्रुक डिस्टिंग्विश अचीवमेंट अवार्ड? रिचर्ड सी होलब्रुक डिस्टिंग्विश अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता, ये आपसे पूछा गया. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है तो आपको बताया गाइस वो बेसिकली यूएस, इजराइल, बहरीन एंड विच कंट्री? तो ये यूएई है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. अशोक लेलैंड एंड हिंदुस्तान जिंक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है. इसका आंसर आईआईटी मद्रास से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. वी हब डब्ल्यूई वी हब एज हैज अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन एग्री बिजनेस? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां पर सोशियो इकोनॉमिक फिगर की बात होती है, वुमेन्स की बात हो रही है ना. तो वी हब ने अनाउंसमेंट किया है पार्टनरशिप करने के लिए विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एड वुमेन एंटरप्रेन्योर. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर न्यूट्री हब. वी हब न्यूट्री हब, वी हब न्यूट्री हब, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. Which state government signed MOU with the Netherlands and 7 firms? So, ये तो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट आंसर. आंध्र प्रदेश और नीदरलैंड और 7 firms on food processing. Next question. Which institute signed an MOU with the National Institute of Urban Affairs for collaboration in the areas of the Universal Design Principle and Inclusive Development? ठीक है, इतना लंबा नहीं जाएंगे. Which institute signed an MOU with the National Institute of the Urban Affairs? And the answer is IIT Roorkee. IIT Roorkee and the National Institute of the Urban Affairs. Next point. Which of the following partnered Cyber Peace Foundation to create awareness on the cyber safety among students? इनमें से कौन है जो कि साइबर पीस फाउंडेशन से एग्रीमेंट कर रहा है और ये दोनों मिलकर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ऑन द साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट? वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर व्हाट्सएप है, ऑप्शन नंबर सी. व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच इंडियन इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटेड विद साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द पर्डुबिस चेक रिपब्लिक फॉर वर्किंग टूवर्ड डेवलपिंग इंडिजीनियस एल्गोरिदम दैट कैन प्रोटेक्ट द नेशंस डिजिटल डेटा फ्रॉम साइबर अटैक बाय द एडवांस कंपनी? मतलब किस इंस्टीट्यूट ने चेक रिपब्लिक के यूनिवर्सिटी ऑफ द पर्डुबिक से एग्रीमेंट किया है ताकि जो ये इंस्टीट्यूट है ये इंडिया में डिजिटल डेटा को सिक्योर किया जा सके? What is the answer? What is the answer? And the answer is IIT Guwahati. IIT Guwahati and the Czech Republic ka University of the Pardubice.
Next one. Which of the following institute has developed MOSIC microprocessor? ये तो आपको पता है गाइस, MOSIC किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. आंसर इज द IIT मद्रास. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. स्टूडेंट फ्रॉम विच, लग रहा है हम लोग साइंस में आ चुके हैं, साइंस में आ चुके हैं, साइंस भी हमारी एक कैटेगरी है. स्टूडेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड अ न्यू लो कॉस्ट डिवाइस स्वास्नर. स्वास्नर SWASNER. स्वास्नर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेंटिलेशन डिवाइस टू ईज ब्रीथिंग. किसने स्वास्नर बनाया है ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा IIT भुवनेश्वर. ऑप्शन नंबर डी. IIT भुवनेश्वर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट CBTC मीन्स कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल बेस्ड सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेट्रो रेलवे. क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिएगा, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली. तो किस मेट्रो रेल ने लॉन्च किया है भारत का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट CBTC मतलब कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दिल्ली मेट्रो. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. विच स्पेसक्राफ्ट कंपनी हैज अनाउंस टू नेम इट्स NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट आफ्टर द फॉर्मर एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला. किस स्पेसक्राफ्ट कंपनी ने ये बोला है कि वो अपना NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट जो है वो कल्पना चावला के नाम पर रखेगा. क्या इसका आंसर देख लीजिए यहां पे. इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थरोप ग्रूमैन ये कंपनी का नाम है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च अ न्यू हाइपर कैजुअल गेम टाइटल्ड सोशल दूरी. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सोशल दूरी एक सोशल डिस्टेंसिंग गेम है बेसिकली, और ये रिलायंस बैक कंपनी है फिंड. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. फिंड ने ये बनाया. नेक्स्ट पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली सेंट 60 स्टारलिंग्स इंटरनेट सैटेलाइट अब्रॉड ऑन फाल्कन 9 विच इज द लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द लॉन्च. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया और ये स्पेसएक्स ने किया है. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. स्पेसएक्स. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच इंस्टीट्यूट स्टूडेंट हैव डेवलप्ड AIR स्कैनर एंड अल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर. AIR स्कैनर ये किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट डेवलप किया है? वी हैव 4 ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर IIT बॉम्बे. ऑप्शन नंबर सी. IIT बॉम्बे. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. Which university has developed a mobile application called English Pro, which is the first of its kind initiative? Kis university ne English Pro naam ka ek mobile application launch kiya hai? We have 4 options. What is the answer? Iska answer kya hoga? Iska answer ho jayega English and the Foreign Language University Hyderabad. English and the Foreign Language University Hyderabad. Option number C is right answer. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. विच इंस्टीट्यूट इनक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन लॉन्च चक्र डीको टू डिकंटामिनेशन एंड 95 मास्क. तो इसमें से किस इंस्टीट्यूट का एक स्टार्टअप है? चक्र इनोवेशन. इसने चक्र डीकोव नाम का एक डिवाइस बनाया है जो कि N95 को डिकंटामिनेट कर देगी. व्हाट इज द आंसर? वी हैव 4 ऑप्शन. क्या आंसर होगा? आंसर इज द IIT दिल्ली. ऑप्शन नंबर बी. IIT दिल्ली. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ अ पुणे बेस्ड यूनिवर्सिटी व्हिच इज फाउंड टू बी द फार्देस्ट स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. तो किस गैलेक्सी खोजा गया है? ये हमारे पुणे के साइंटिस्ट ने ढूंढा है. तो मे बी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो. वी हैव 4 ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर होगा AUDFS01. AUDFS01. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. इंडियन रेलवे डेवलप रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम्ड व्हाट टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू COVID-19 पेशेंट. उस ट्रॉली का नाम क्या है? ये आप किसने देखिए यहां पे ऑप्शन आई थिंक गलत है. यहां पे ये ऑप्शन गलत हो गया है. तो ये आप याद रखिए, मैडबोट लॉन्च है, मैडबोट को बनाया गया है. तो देख लीजिएगा यहाँ पे मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है? मैडबोट. ये याद करिएगा वहां पे ऑप्शन गलत है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च एडुराइड अ वेब पोर्टल टू हेल्प कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. तो किस इंस्टीट्यूट ने एडुराइड नाम का एक वेब पोर्टल बनाया है? व्हाट इज द आंसर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए. और इसका आंसर क्या होगा? IIT बॉम्बे. ऑप्शन नंबर सी. IIT बॉम्बे. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द यूनियन होम मिनिस्ट्री नॉट सैंक्शन अ न्यू ब्रांच ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी
has the Union Home Ministry not sanctioned a new branch of the National Investigation Agency. मतलब NIA का नया ब्रांच यहाँ पे नहीं लगने वाला है. वो कौन सा शहर है? वो है भोपाल, ऑप्शन नंबर 1. तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 3 नए ब्रांच NIA के, एक इम्फाल में, एक चेन्नई में और एक रांची में. इम्फाल में, चेन्नई में, रांची में, याद कर लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. द डिजाइन ऑफ इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन विच कैन अटेन अ टॉप स्पीड ऑफ द 180 किलोमीटर पर आवर इज इंस्पायर्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग. ये हम लोग पढ़े हुए हैं. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोटस टेंपल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. लोटस टेंपल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर श्रीपद यासु नायक एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह ज्वाइंटली लेड ई फाउंडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर फॉर मेडिकिनल प्लांट इन सेप्टेंबर. तो यूनियन मिनिस्टर श्रीपद यासु नायक और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साथ में फाउंडेशन स्टोन रखा है ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर फॉर मेडिकिनल प्लांट. कहां पर ये आपसे पूछा गया? वी हैव 4 ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी. जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द नेशनल मेडिकल कमीशन इन प्लेस ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस एज द कंट्री अपेक्स रेगुलेटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिसॉल्व. तो गाइज आपको बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन आ चुका है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जा चुका है. तो आपसे क्या पूछा है कि इसके साथ साथ कौन डिसॉल्व हो जाएगा? कौन डिसॉल्व हो जाएगा? वे ये 4 ऑप्शन. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बोर्ड ऑफ गवर्नर होते थे वो भी खत्म हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फेज 2 ऑफ द फेम इंडिया स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द गवर्नमेंट डिड नॉट सैंक्शन इलेक्ट्रिक बस. फेम इंडिया स्कीम फेज 2 के तहत अभी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट को मतलब इलेक्ट्रिक बसेस दिए हैं. तो किसको नहीं दिए हैं? किस स्टेट को? ये आपसे पूछा गया. किसको नहीं दिए? किसको नहीं दिए हैं? तो नहीं दिए राजस्थान को. एक बार देख लेते हैं. तो 670 इलेक्ट्रिक बस और 241 चार्जिंग स्टेशन बांटे गए हैं. ये महाराष्ट्र को, गोवा को, गुजरात को और चंडीगढ़ को बांटे गए. ठीक है, और चार्जिंग स्टेशन मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरला, गुजरात, पोर्ट ब्लेयर. ठीक है, ये देख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है फेज 2 वाला ये. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द पीएम स्वनिधि स्कीम एज अप्रूव बाय द गवर्नमेंट. पीएम स्वनिधि स्कीम के लिए कितना अमाउंट दिया गया है? वी हैव 4 ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 600 करोड़ रुपए. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेयर विल द इंडिया फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी बी एस्टैब्लिश. अच्छा क्वेश्चन है ये, भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकेडमी कहां बनेगा? तो ये कहां बनेगा? मैंगलुरु में. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन सितंबर 2020 एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च अ नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी किसके लिए? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 हॉर्न राइनोसोरस, ऑप्शन नंबर सी. मतलब एक सिंह वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए. ठीक है, बिल्कुल सही है, 1 हॉर्न डायनासोरस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस द लॉन्च, ये हम लॉन्चिंग पढ़ रहे हैं अभी, लॉन्चिंग पढ़ रहे हैं. ठीक है, ऑफ अ ग्रांट प्रोग्राम इन इंडिया टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर विद इट्स पार्टनर आई फंड वुमेन. तो आपको बताना है कि इसमें से किसने एक ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत में टू सपोर्ट द वुमेन एंटरप्रेन्योर विद इट्स पार्टनर आई फंड वुमेन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर वीजा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. तो वीजा ने अपना एक ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर विद इट्स पार्टनर आई फंड वुमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 2018 टू विच ईयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट इंप्लीमेंटेड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन. 2018 से लेकर कौन से साल तक मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने इंप्लीमेंट किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन. वी हैव 4 ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2025 है. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट एवर किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन? आदर्श नगर इन दिल्ली. किसान, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. किसान रेल एग्जाम में आगा, बिल्कुल क्वेश्चन देखिए क्या इसका आंसर होगा. इसका आंसर हो जाएगा अनंतपुर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश. तो अनंतपुर से कहां चला ये? आदर्श नगर दिल्ली. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले. नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने देख लीजिएगा यहां पे, इन सितंबर 2020 विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम आफ्टर श्री सिद्धरुद्ध स्वामी. सिद्धरुद्ध स्वामी के नाम पर किसका नाम चेंज हुआ, ये आपसे पूछा गया. व्हाट इज द आंसर? और इसका आंसर होगा हुबली रेलवे स्टेशन. इनका नाम चेंज होकर श्री सिद्धरुद्ध स्वामी स्टेशन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्च द क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 अलॉन्ग विद द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज.
Who is the minister of the state for the housing and the urban affairs? देख लेना, तो हरदीप सिंह पुरी इसका आंसर होगा. तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क अलोंग विद द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज लॉन्च बाय द इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट टू एंश्योर रूरल कवरेज ऑफ द पोस्टल स्कीम. रूरल कवरेज ऑफ द पोस्टल स्कीम, वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर. आपका आंसर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फाइव स्टार विलेज, ऑप्शन नंबर सी. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन, In September 2020, which of the following has been granted Foreign Contribution Regulation Act registration enabling to it receive foreign donation? And the answer is Golden Temple. Option number A is right answer. Next point. As announced by the Chemical and the Fertilizer Minister, D.V. Sadanand Gowda, by which year India will be self-reliant in the production of the fertilizer? And the answer is 2023. Option number B is right answer. Where was the foundation stone for the construction of Arun Jaitley Memorial Sports Complex? कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर, मैंने पढ़ा हुआ है guys. जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. In September 2020, where did the Union Cabinet approve the establishment of a new All India Institute of the Medical Sciences? I think बिहार में ना, दरभंगा, बिहार दरभंगा मुझे ऐसा लग रहा है. आप मुझे आंसर बताओ क्या इसका आंसर होगा. ठीक है, आंसर की बात करें, आंसर इज बिहार, ऑप्शन नंबर डी. बिहार में कहां पे, दरभंगा पे, हमने पहले पढ़ा. In September 2020, 10th Defense Technology and Trade Initiative held virtually between India and the which? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. दसवां डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव वर्चुअली हुआ इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके. व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज यूएसए. दसवां डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेड इनिशिएटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्रेस नेचुरल गैस टर्मिनल बी बिल्ट विद अ प्रपोज इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1900 करोड़ हुज लेटर ऑफ इंटेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो क्या बोला गया, विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल कहां पर बन रहा है, ये आपसे पूछा है. 1900 करोड़ इन्वेस्टमेंट से, कांडला पोर्ट, भावनगर पोर्ट, मरमुगाव पोर्ट और नवाशिवा पोर्ट. इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज भावनगर पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स गिव अप्रूवल टू द हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फ्रॉम पलवल टू विच डिस्ट्रिक्ट. हरियाणा में ये बन रहा है, तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये पलवल को किस जोड़ेगा, तो ये पलवल को सोनीपत हरियाणा में जोड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, टोटल कॉस्ट इसकी 5670 करोड़ रुपीज होगी, याद रखिएगा, और टोटल इसकी लेंथ 121.7 किलोमीटर होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल कोसी रेल मेगा ब्रिज दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी जी इन बिहार थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ हाउ मच. कोसी रेल मेगा ब्रिज जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, इसका टोटल कॉस्ट कितना, ये आपसे पूछा गया. वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर. इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज 516 करोड़, ऑप्शन नंबर ए. 516 करोड़, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन सितंबर 2020 द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड 19 वाज एक्सटेंडेड फॉर 180 डेज टू विच डेट. कब तक के लिए बढ़ा दिया गया इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में, जो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा था 20 लाख रुपए का, वो बढ़ा दिया गया है 24th मार्च 2021 तक, 24 मार्च 2021, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इशू नोटिफिकेशन एक्सटेंडिंग द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्वाइस. ट्वाइस मतलब ट्वाइस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर टू विच डेट, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1st जनवरी 2021, 1st जनवरी 2021, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. इन सितंबर 2020 वेयर डिड ई कॉमर्स जायंट अमेज़न सेट अप एन ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन. ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन, वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर. एंड द राइट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन नंबर ए. गुजरात में कहां पर, तो गुजरात में काड़ी, काड़ी डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, गुजरात काड़ी. Next point, what is the theme of the 4th edition of the Global Ayurveda Summit organized by the Confederation of the Indian Industry held virtually? Global Ayurveda Summit ka ye 4th edition tha, iski ek iski theme kya thi, ye aapse puchi gayi hai. We have four option, what is the answer guys. आंसर की बात कर ले, आंसर इज आयुर्वेदा फॉर इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी. आयुर्वेदा फॉर इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज इंडिया फर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल इनॉग्रेटेड इन द सितंबर टू हैंडल द फ्लाइट ऑपरेशंस ऑफ प्राइवेट जेट. ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर फोकस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपसे टोटल अमाउंट पूछा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अमाउंट आपसे पूछा गया है. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 20050 करोड़. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. इसको आपको याद करना पड़ेगा. इसके टारगेट ईयर 2020-21 से 24-25. इन्वेस्टमेंट आपके सामने है ही है, ठीक है, ये देख लीजिएगा. क्लियर. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. इंडिया विल हैव हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022 एज सेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी. 2022 तक भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 220 गीगावाट. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस. ठीक है, देखिए एक थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं यहां पर. तो 220, हाँ ठीक है, सही है सही है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. आत्मनिर्भर भारत एरीस अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग. आत्मनिर्भर भारत एरीस अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ये किसको सपोर्ट करने के लिए है? तो नाम से लग रहा है कि ये अटल, तो ये स्टार्टअप के लिए. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लें? नहीं, कुछ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. इन सितंबर 2020 वेयर डिड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेटेड ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट. ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट, ये आई थिंक बाराबंकी में खुला है. ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट, आंसर इज बाराबंकी यूपी. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. इन्वेस्ट सिटी इज वीर सावरकर फ्लाईओवर, ये कर्नाटका में बैंगलोर में वहां के चीफ मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिलीज बाय द रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने कितना अमाउंट रिलीज किया था ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड, ये आपसे पूछा गया. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 10,000 करोड़ रुपए. ऑप्शन नंबर सी 10,000 करोड़ रुपीज. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. इन्वेस्ट सिटी इज द कंट्री फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च, ये आई थिंक कर्नाटका में ही हुआ है ना, कर्नाटका में. तो भोपाल तो एमपी हो गया, मैसूर बेंगलुरु होगा. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. बिल्कुल सही, बेंगलुरु. ठीक है, तो बी एस येदियुरप्पा ने लॉन्च किया था. कुछ और पॉइंट इसमें पढ़ने की जरूरत हमें है? नहीं है, नहीं. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट. विच एयरपोर्ट हैज पुट इन प्लेस QR कोड इनेबल्ड चेक इन मैकेनिज्म फॉर पैसेंजर्स टू यूज देयर मोबाइल फोन टू रिमोटली ऑपरेट चेक इन? किस एयरपोर्ट की बात करें जिसने की QR कोड इनेबल्ड चेक इन मैकेनिज्म लॉन्च किया है फॉर पैसेंजर्स टू यूज देयर मोबाइल फोन टू रिमोटली? मतलब अभी क्या होता है कि आप एयरपोर्ट में जाते हो चेकिंग करने, तो आप अपने मोबाइल में टिकट भी दिखाते हो, तो आप दूर से ही मतलब QR कोड से मालूम चल जाएगा. आंसर इज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. एज पर द डेटा हाउ मच अमाउंट हैव बीन अलॉटेड टू नियरली 42 करोड़ पीपल्स एज फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 68,820 करोड़ रुपीज. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. एट विच टू डिस्ट्रिक्ट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी गोइंग टू एस्टैब्लिश टू न्यू सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट? दो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली. तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इन दो डिस्ट्रिक्ट में दो अपना सेंटर लगाने वाली है. ये दो सेंटर, ये दो शहर कौन कौन से हैं? तो ये दो शहर आपके हैं, एक भागलपुर और एक वाराणसी. भागलपुर और वाराणसी, भागलपुर बिहार में है, वाराणसी यूपी में है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. स्टेप एप्लीकेशन हैज रिसीव अ मैंडेट फ्रॉम द विच इंडियन मिनिस्ट्री टू इंप्लीमेंट इट्स गेमीफाइड लर्निंग एप्लीकेशन अक्रॉस ऑल ट्राइबल स्कूल इन इंडिया इन अ लैंडमार्क डेवलपमेंट. स्टेप एप्लीकेशन को मैंडेटरी मिला है मतलब किस मिनिस्ट्री से टू इंप्लीमेंट अ गेमीफाइड लर्निंग एप्लीकेशन टू ऑल ट्राइबल स्कूल? तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो जाएगा? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. अब ये तुम्हें नाम याद रखना है, स्टेप अप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे तो लग रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लिया यहाँ पे, देख लीजिए. इन सितंबर 2020 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पत्रिका गेट? तो ये हमको पता है गाइस, इसमें टाइम कम लेंगे. आंसर इज जयपुर. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. व्हाट इज द नेम गिवन टू द रीब्रांडेड वर्जन ऑफ द वोडाफोन? तो क्या नाम है? VI नाम है इसका, हमको पता ही है VI. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच कंट्री विल होस्ट अ समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द SEU
ऑन नवंबर 30th। तो ये तो इंडिया में होने वाला है, कैसे उनको पता, ये इंडिया में होने वाला ऑप्शन नंबर है एससीओ की। अगर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की बात करें नवंबर में, ये इंडिया में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव इन सेप्टेंबर। तो किस मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, और इनमें से किसने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव सितंबर में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA। तो IIPA और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पे, इन सितंबर 2020 यूनियन मिनिस्टर आरके सिंह लॉन्च GTAM। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, GTAM फॉर इलेक्ट्रिसिटी, अ मूव दैट विल लीड टू, सिंपल सी लैंग्वेज में GTAM में टी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा टर्म, मतलब GTAM का फुल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, किसने लॉन्च किया था? आरके सिंह जी ने, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नोटिफाइड मेकिंग फास्टैग मैंडेटरी फॉर ओल्ड व्हीकल सोल्ड बिफोर 1st December 17, वेयर विल बी दिस अमेंड प्रोविजन टू बी पुट इन टू फोर्स? तो आपसे क्या बोला गया है कि ऐसे ओल्ड व्हीकल जो कि 1 January 2017 से पहले बेचे गए हैं, उनको फास्टैग लगाना जरूरी है। तो ये कब से लागू होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये लागू होने वाला है 1st January 2021, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाउ मेनी एप्लीकेशन डिड द इंडियन गवर्नमेंट बैंक इन सितंबर 2020, इंक्लूडिंग पबजी, लिविक, बी चैट, वर्क एटसेट्रा? एंड द आंसर इज 118, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। In September 2020, the cabinet chaired by the PM Modi approved Mission Karmyogi. ये काफी important question है. Mission Karmyogi basically मुझे लगता है कि ये civil services के लिए था ना, civil servant के लिए था. Option number D is absolutely right answer. Next point, the cycling summit to be hosted by the Cycling Federation of India in 2021. ये इंडिया में कौन कौन से शहर में होने वाला है? दिल्ली में होने वाला था ये, बेंगलोर में होने वाला था ये, और मुंबई में, एक मिनट, ये तीन शहर में होने वाला था ना, इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अच्छा, कहां पे नहीं होने वाला, विल नॉट है, ओके, ठीक है ठीक है। तो दिल्ली में होने वाला था, बेंगलोर में और मुंबई में, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इन इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री इंस्टॉल्ड, वेयर इन इंडिया, कहां पे, इंडिया में कहां पे विश्व का सबसे लंबा सोलर ट्री इंस्टॉल किया गया, विच इज डेवलप्ड बाई द CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमने पढ़ाया आपको, इसका आंसर क्या है? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वॉट विल बी द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द 27 प्रोजेक्ट गिवन अप्रूवल बाई द गवर्नमेंट अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना टू डेवलप द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रा इन द कंट्री? 27 प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड अलॉट किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? व्हाट इज द आंसर? वी हैव फोर ऑप्शन, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 743 करोड़, ऑप्शन नंबर बी, 743 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अनाउंस बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन हिज मन की बात रेडियो प्रोग्राम, विच मंथ वुड बी सेलिब्रेटेड एज द पोषण माह? तो पोषण माह तो सितंबर को हम बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आप में से कोई बोल सकता है कि अक्टूबर मंथ हम किस में मनाते हैं, ये जरा बताइए मुझे, अक्टूबर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड द विच कंट्री हैव लॉन्च अ वेबसाइट डेडिकेटेड टू द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द 2015 पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फंडेड बाय द न्यू दिल्ली? तो गाइज आपको पता है कि नेपाल ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अनाउंस बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बाय विच ईयर चाइना एम टू स्टॉप पंपिंग एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड द मेन ग्लोबल वार्मिंग गैस इन टू द एटमोस्फियर? व्हाट इज द आंसर? आपका आंसर क्या होने वाला, देख लेते हैं। ठीक है, और आंसर, हाँ, अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं, ठीक है ठीक है, मतलब पूरे मंथ को मनाया जाएगा। ठीक है, आंसर इज द 2060, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 2060। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मॉडर्न ट्रेन हेडेड ओवर टू नेपाल बाय इंडिया वुड रन बिटवीन कुर्था इन नेपाल टू विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है जयनगर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। श्रीनगर, जयनगर बिहार में पड़ता है। इंडिया लॉन्च फर्स्ट एवर कार्गो फेरी वेसल MCP लिंच विच कंट्री? MCP लिंच, तो ये गाइस हमको पता है, पहला कार्गो फेरी वेसल MCP लिंच, ये मालदीव के साथ हमारा चलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
Next question. By which year WHO has aimed to eliminate industrial produced trans fat? तो ये तो WHO का 2023 है और हमारा 2022 है, याद रखना. WHO का 23 है, इंडिया का 22 है, याद रखना जरूरी है आपको. Next point. Which country government has launched a campaign named Asol Chini or Real Sugar? ये बांग्लादेश है. ये बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. Which country has been elected as the member of the Commission of Status of Women, a body of the Economic and the Social Council? India is right answer. India option number B is right answer. So India ko chuna gaya member of the Commission on the Status of the Women. ठीक है, ये हो गया हमारा. और कुछ पढ़ना है? ठीक है, next question. Which country has declared rape a national emergency and ordered new measures to tackle the problem after a recent? ठीक है, तो rape को national emergency घोषित किया गया है. Poland, Egypt, Turkey and Libya. We have four options. What is the answer? और answer की बात कर ले, answer is Libya, option number D. Libya, option number D is right answer. Next point. Which country has become the first in the world to issue a sovereign bond linked to the sustainable development goals set up by the United Nations? क्या ये Mexico है? बॉन्ड लॉन्च किया है कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बॉन्ड. और ये मेरे ख्याल से मेक्सिको है. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. बिल्कुल सही. नेक्स्ट पॉइंट और देख लो यहां पे. तो 750 मिलियन यूरो उठाने का इरादा है मेक्सिको का. ठीक है. In September 2020, which country joined the Djibouti Code of the Conduct Jeddah Amendment, जिसे हम DCOC जे भी बोलते हैं, एज ऑब्जर्वर? Djibouti Code of the Conduct, तो ये इंडिया ज्वाइन किया. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, तो देख लीजिएगा यहां पे, इंडिया ने Djibouti Code of the Conduct जिद्दा अमेंडमेंट को ज्वाइन किया एज ए ऑब्जर्वर, और इसमें 18 मेंबर कंट्री आते हैं. 18 मेंबर कंट्री आते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. रिसर्चर फ्रॉम विच कंट्री यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर किस कंट्री के यूनिवर्सिटी के लोगों ने मतलब इसे डेवलप किया है? वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी. जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वॉज होस्टेड बाई द इंटरनेशनल सोलर एलियंस ऑन सेप्टेंबर 8 वर्चुअली. इंटरनेशनल सोलर एलियंस एम्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड सोलर बैंक, अ वर्ल्ड सोलर बैंक विथ ऑथोराइज कैपिटल. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विथ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ हाउ मच अमाउंट टू फंड प्रोजेक्ट? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा $15 बिलियन. ऑप्शन नंबर बी. $15 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट पॉइंट. नेम द पैराशूटिस्ट हु कंप्लीटेड द वर्ल्ड फर्स्ट जंप फ्रॉम अ सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट आफ्टर द प्लेन सोर्ड टू अ हाइट ऑफ 1520 मीटर. इसका आंसर दे लीजिए. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राफेल डोमजैन, ऑप्शन नंबर सी. राफेल डोमजैन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. अ पावरफुल टाइफून हैशेन क्रिएटेड अ हवोक. ठीक है, तो ये कहां पर, ये हैशेन जो ये टाइफून है कहां पर आया? नीदरलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड कैनेडा. वी हैव फोर ऑप्शन. और अगर आंसर की बात करें, आंसर इज साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. चलिए. Which of the following has announced to lead the global procurement and supply of the COVID-19 vaccine in order to ensure that all the country have safe, equitable and fast access? Ye kafi important hai. Kya iska answer hoga? Which of the following has announced to lead the global procurement and supply of the COVID-19 vaccine? Kya iska answer hoga? To iska answer bhai simple sa hai. United Nations Children's Fund, option number D. Ek bar mujhe ise padhna padega. Ha, UNICEF. UNICEF ne announce kiya hai that it will be leading the global procurement and supply of the COVID-19 vaccine. Taki sabko matlab se barabar se hak mile vaccine ka. Theek hai, UNICEF. Next question. Under the chairmanship of which country, 35th session of the FAO Regional Conference for Asia and the Pacific held virtually? I think ये भूटान के अंडर में हुआ, और अगला वाला 36 जो होने वाला है वो बांग्लादेश के अंडर में होने वाला है. बांग्लादेश के, आंसर इज द भूटान, ऑप्शन नंबर डी. और इसके बाद वाला बांग्लादेश के अंडर में होने वाला है. नेक्स्ट पॉइंट. विच कंट्री हैज लॉन्च इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विथ की रोल फॉर इंडिया? विच कंट्री हैज लॉन्च इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विथ की रोल फॉर इंडिया? आंसर शुड बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. Next point. Which company has partnered with the Transnet Port Terminal? Transnet Port Terminal से partnership किसने किया? तो ये TCS है. TCS. और ये Transnet Port Terminal ये South Africa का है. हाँ, बिल्कुल सही. TCS, option number A is right answer. Next point. Which country will host the 36th Regional Conference of Asia and Pacific?
तो भाई ये बांग्लादेश में है, 2022 में होने वाला, मैंने अभी आपको बताया कि बांग्लादेश में होने वाला, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विथ विच कंट्री कोलाबरेशन द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इन इंडिया विल सून बी सेटअप एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन जम्मू। तो जम्मू में ये होने वाला ये तो हमको मालूम था, अब ये किस कंट्री के हेल्प से होगा। कैनबिस का मतलब होता है मैरिजुआना, मतलब जिसे आप लोग हिंदी में गांजा बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज कैनेडा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कैनेडा। नेक्स्ट पॉइंट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस विच सिटी एज फर्स्ट वर्ल्ड बॉर्न सेकेंड हेरिटेज सिटी, एंड द आंसर इज विल्मिंगटन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विल्मिंगटन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द इंडियन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस अनवेल्ड, ये चाइना में लॉन्च हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हमने ये पढ़ा हुआ है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन अफ्रीका टू हैव रिसीव वैलिडेशन फ्रॉम द WHO फॉर हैविंग एलिमिनेटेड ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपानोसोमिसिस और स्लीपिंग सिकनेस। तो ये आंसर टोगो है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। India, Japan and which other country have decided to launch an initiative to build a resilient supply chain? ये जापान का initiative था, याद रखना, और इसमें India, Japan और Australia हो जाएगा, option number B is right answer. Next point, which country launched Agriota? Agriota किसने launch किया? तो ये UAE ने launch किया था ताकि उसके देश में जो food processing industries हैं और Indian farmer के बीच में कोई gap ना हो, UAE, option number D is right answer. Next point, Where did the India, Indian and the Japanese Navy held their 3-day long maritime military exercise called GMEX? GMEX कहां पर हुआ? ये आपसे पूछा गया। तो GMEX कहां पर हुआ? ये हुआ था अरेबियन सी में, ऑप्शन नंबर सी, अरेबियन सी, ऑप्शन नंबर अरेबियन सी, अरेबियन सी में, ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है ठीक है। और ये चौथा एडिशन था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, फोर्थ एडिशन। नेक्स्ट पॉइंट, इन सितंबर 2020 इंडियन नेवी हेल्ड 2-day मेगा एक्सरसाइज पैसिक्स विथ विच कंट्री? तो गाइज इन द इंडियन ओशियन रीजन, तो पैसिक्स की बात करें तो एक तो हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक जापान के साथ, एक यूएस के साथ, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट एंड इंडिजिनियसली डेवलप अनमैन्ड एरियल व्हीकल नेम व्हाट दैट कैन बी यूज एज टारगेट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम। DRDO ने अभी एक मतलब फ्लाइट टेस्ट किया है, इंडिजिनियसली डेवलप अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका नाम आपको बताना है, क्या इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अभ्यास, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO हैज डेवलप विच हैवी ड्रॉप सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स अप टू 7-ton वेट क्लास फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट। तो DRDO ने जो हमारा हैवी ड्रॉप सिस्टम बनाया, इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम क्या है, इसका नाम है P7, ऑप्शन नंबर बी, P7 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। India successfully flight tested the indigenously developed hypersonic technology demonstrator vehicle. It is developed by whom? इसे किसने बनाया है? तो ये जो हमारा HSTDV है, इसको किसने बनाया? DRDO ने बनाया है? हाँ, option number D is right answer. तो India ने अभी HSTDV का परीक्षण किया, ठीक है, और अगर हम बात करें ये APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के, आइलैंड ओडिशा से हुआ, इतना याद कर लीजिएगा, DRDO ने इसको बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नेवी कंडक्टेड अ मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र विद द नेवी ऑफ द, इंद्र हमेशा रशिया के साथ होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रशिया, और ये कहां पर हुआ? बे ऑफ बंगाल में हुआ, तो ये देख लीजिएगा, और ये 11th एडिशन था, ये मत भूलना, ये 11th एडिशन था, ये मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एट अ कॉस्ट ऑफ व्हाट अमाउंट द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ डील विद टाटा पावर कंपनी लिमिटेड LNT टू प्रोक्योर पिनाका रॉकेट लॉन्चर फॉर 6th एयर रेजिमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने टाटा पावर और LNT को उसका टेंडर दिया है। इसका आंसर होगा 2580 करोड़, ऑप्शन नंबर बी, 2580 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूट टॉप द क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग? क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग, क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में टॉप किसने किया, ये आपसे पूछा गया, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर HES पेरिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग टॉप किसने किया है, तो देख लेते हैं यहां पर, IIM अहमदाबाद को मिला है 31वां रैंक, और IIM बेंगलोर को मिला है 35वां रैंक, और HES पेरिस ने टॉप किया है। तो बेसिकली IIM अहमदाबाद की रैंक याद कर लीजिएगा, 31st, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the rank of the India in the World Risk Index 2020? World Risk Index में भारत की रैंक कितनी है ये आपसे पूछा गया। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर 89 है, ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक 89 है, आपको ये मालूम चल गया है। और अगर हम बात करते हैं तो Vanuatu was the country with the highest. तो ये आपको पता है पहला इसका आंसर, ठीक है? चलिए next point. Which Bollywood actor has become the first to be featured in Time magazine annual list? तो ये आयुष्मान खुराना है, option number D is right answer. आयुष्मान खुराना option number D is right answer. Next point. What is the rank of India in the Global Economic Freedom Index as per the Economic Freedom of the World? इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? वी हैव फोर ऑप्शन, आंसर क्या होगा? आंसर इज 79, ऑप्शन नंबर ए, 79 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है? हांगकांग पहले नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑन द फ्रीलांसिंग इन 2020 की, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इंडिया इज वन विच पोजिशन एट द स्केल ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांसर मार्केट इन द वर्ल्ड विद अ मैसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द फ्रीलांसर दिस ईयर। तो इंडिया इज ऑन विच पोजिशन, तो फ्रीलांसिंग इन 2020 रिपोर्ट में इंडिया को कौन सा स्थान मिला? आई थिंक दूसरा मिला है आफ्टर चाइना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विच स्टेट यूटी टॉप्ड द फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट? ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में किसने टॉप किया ये आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच सिटी हैज टॉप द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स? किसने टॉप किया ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में? टॉप किया है सिंगापुर ने, ऑप्शन नंबर सी। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में आता है न्यू दिल्ली पहले नंबर पे और ग्लोबल नंबर पे 86, न्यू दिल्ली 86 नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? वर्ल्ड बैंक के एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करेंगे, आंसर क्या होगा? आंसर इज 116, ऑप्शन नंबर सी, 116 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द जॉब पोर्टल साइट इंडीड, विच सिटी हैज टॉप्ड एट द लिस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन फॉर अ करियर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बेंगलुरु में होना चाहिए, आंसर इज सी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट काउंटेड फॉर द वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शायद आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, ऑप्शन नंबर डी, यूपी सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट, विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर? तो ये तो अडानी हो जाएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंक ऑन द टॉप ऑफ द 63 इंडियन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज बाय द यूके बेस्ड टाइम हायर एजुकेशन? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो किस इंडियन इंस्टीट्यूट को रैंक मिला है 63? देखते हैं क्या इसका आंसर होगा, मतलब 63 इंडियन यूनिवर्सिटी में किसने मतलब टॉप किया है, आंसर देखते हैं। आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी, पूरा देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इंडिया की दो यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड टॉप 400 में जगह मिली एज पर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, ठीक है? और अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें, ये पहले नंबर पे इंडिया में, और रोपड़ दूसरे नंबर पे, आईआईटी रोपड़, ठीक है? और इनको 400 में जगह मिली है, जहां पर आईआईएससी को जगह मिली है 301 से लेके 350 बैंड में, वही रोपड़ को 351 से लेके 400 बैंड में, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी ये आपसे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर है, 48 ऑप्शन नंबर है। तो इंडिया को 48 रैंक मिली है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ने इसको पब्लिश किया था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड विच ऑनलाइन पेमेंट कंपनी हैव रिलीज अ स्टडी रिपोर्ट ऑन फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन डिजिटल पेमेंट विच टॉक्स अबाउट, ठीक है? तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल और किसने मिलकर बेसिकली एक रिपोर्ट निकाली है, स्टडी रिपोर्ट ऑन द फ्रॉड एंड द रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजिटल पेमेंट। इसका आंसर होगा पेपैल, पेपैल और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ने रिपोर्ट निकाली है बेसिकली। और अगर हम बात करें तो यहाँ क्या बोला गया, द ई कॉमर्स मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 200 USD बाई 2026, ये डेटा आप याद कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, बस इतना ही।
थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस 300 से ऊपर बच्चे बने रहे। आई रियली विश बेस्ट ऑफ लक बाय गाइस, आप लोग काफ़ी मेहनत किए आज हमारे साथ, सबका सिलेक्शन हो, सबका बढ़िया हो जाए दिन, और जो भी आपके अभी लड़ाइयाँ हैं, जो भी आपके मतलब आप लड़ रहे हो अपने अपने कमियों से लड़ रहे हो, और आप अपने वर्तमान को देख रहे हो और भविष्य को अच्छा करना चाहते हो, तो ये ज़रूर होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, डिटरमाइंड रहिए, हारमोनियस वे में काम करिए, अपने आप से स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको फॉलो करिए, टारगेट को पूरा करिए, अपने से स्पीड टेस्ट डेली लगाइए। जब भी आपके एग्जाम हो, बहुत सारे बच्चे अभी थोड़ा शांत हो गए हैं बिकॉज उनके एस बैक एग्जाम नहीं है जो फरवरी में होने वाले, और होना वही है, एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे पीडीएफ मिल जाएगा भैया, थोड़ा सांस लेने दो, पीडीएफ दे रहा है ना। अब जो पीडीएफ बोलेगा मैं अंदर लैपटॉप के अंदर घुसकर गला दबा दूंगा, समझो, देंगे भैया, थोड़ा सा रुक जाओ, हम भी इंसान हैं। ये मेरी क्लास कौन सी थी पता है? मेरी सुबह क्लास 6:30 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 7 बजे, और फिर ये मेरी क्लास थी, समझ लो मेरी बात। चलो थैंक यू सो मच। कैसा लगा सर शाइना खान जी, आप बताएं आपको कैसा लगा। चलिए, नहीं नहीं मेरा कोई एफर्ट नहीं है गाइस, वो एफर्ट आपका है, हम सबका एफर्ट है, और सेलिब्रेशन भी हम साथ में ही करेंगे सिलेक्शन का। चलिए, बैंकिंग क्लास अब अभी तो नहीं बेटा, फ्राइडे को मैंने बोला ना, फ्राइडे को मैं पूरी रात पढ़ा दूंगा बैंकिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं सुबह 6:30 बजे।